गुड इवनिंग, स्वागत है आपका आज एक नए सीरीज में। बिहार स्पेशल का ये नया सीरीज है और पहले एक बार हम बिहार स्पेशल कर चुके हैं। ये सीरीज थोड़ा डील सीरीज है क्योंकि पहले के अनुभव, आपका पूर्व ज्ञान और नए टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख के इसको हम डिजाइन करेंगे। आज बिहार सीरीज का ये इंट्रो है, पहली क्लास है और आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ आपसे ये बात करेंगे कि अब जो आपका बचा हुआ दिन है, इस अल्पकाल में आप बिहार सीरीज को कैसे जल्दी से जल्दी रिवाइज करें। तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस यदि मैं बताऊं कि कितने लेक्चर इस सीरीज में हम आपके साथ शेयर करेंगे, कोई पार्सलिटी नहीं है कि पेड बैच है तो उसमें अलग कोई डेप्थ में जाएगा या अलग क्लासेस होगी। मेरे में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है इस बात के लिए, यूट्यूब पे बिहार स्पेशल जो चलेगा पेड बैच में भी वही चलेगा, ऐसा नहीं कि उसमें एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, बिहार स्पेशल मैं फिनिश कर दूंगा यूट्यूब पे और पेड बैच वालों को बस एक बेनिफिट मैं देने वाला हूं कि जो चीजें आपको पढ़ा रहा हूं उन्हीं में से जो चुनिंदा रिटन नोट्स है वो वहां अवेलेबल हो जाएगा ऐप पे। तो जो लोग ऐप पे हैं उनको मैं एक बता दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं कि उनके लिए भी ये जरूरी है ये YouTube सीरीज देखना। और जल्दी ही इस YouTube सीरीज का जो बाकी और भी सीरीज है, जैसे करंट अफेयर सीरीज मैंने बनाया था तो उसमें अभी हम अप्रैल तक किए थे, तो अप्रैल से आगे का जो मंथ वाइज सीरीज है उसको तो कंप्लीट करूंगा ही करूंगा। एक फुल सीरीज जिसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाली बात है वो भी मैं जल्दी ही लेके आऊंगा। सीख रहा हूँ धीरे धीरे, स्टूडेंट नेचर गया नहीं है, काफी कुछ सीख रहा हूँ। आज न्यू सीरीज मैंने कहा था विद्या आरंभ है गुरुवार, तो आज बृहस्पतिवार के दिन ये बिहार स्पेशल सीरीज आज से न्यू फॉर्म में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नोटिफिकेशन जिसको चैनल से आ रहा है वही आएगा, बाकी जगहों पे नोटिफिकेशन क्लास के बाद वीडियो का लिंक वाले उसमें डालेंगे, पहले हम भूल जाता करते हैं डालने के लिए तो क्षमा करेंगे। बिहार स्पेशल में कई किताबें मार्केट में अब एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन नई आ गई। कुछ लोगों ने मानचित्र के आधार पर YouTube और बाकी जगहों से और बाकी तकनीकी मदद से अच्छा खासा मैपिंग के आधार पर बिहार को बतलाने की कोशिश की। आपके लिए भी अच्छा है कि मैपिंग वाली बुक कोई आपको बिहार स्पेशल की दिखती है तो जरूर देखिए, नो डाउट, और उसमें गलती ढूंढिए, कमियां ढूंढिए, क्योंकि आप जो है लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, सारी नई किताबें उन्हीं किताबों से बन रही है जो बेस बुक है। ठीक है, वसीम का प्रश्न है, आप में से कोई सक्षम है तो बता दीजिए, बेचारा तीन बार एक ही चीज को लिख चुका है। अभी मैं इस पे फोकस करता हूं, इसको कंप्लीट करता हूं। और लाइव का एक और टेक्निक मैंने सीख लिया है प्रीमियर करने का, उसमें आपका क्या बेनिफिट है प्रीमियर वाले में, डायरेक्ट लाइव में मैं थोड़ा डाइवर्ट हो जाता हूं आपके प्रश्न को देख के। प्रीमियर लाइव जो आ रहा है, प्रीमियर क्लास, उसमें क्या है कि मैं प्री रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वहां कहीं कोई डाइवर्जन नहीं है, कहीं कोई डिस्कशन नहीं है, हालांकि मैं लाइव होता हूं, मैं देख रहा होता हूं आपकी कमेंट को और कोशिश करूंगा कि उसमें मैं जवाब भी दे दूं जो प्रश्न आप कमेंट में करेंगे वहां पे प्रीमियर में। तो कल भी आएगा प्रीमियर, अभी 47 था आज हमने अपलोड किया, तो कल हो सकता है कि तीन प्रीमियर क्लास हो जाए ताकि 50 लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज का फिनिश हो जाए। उन तीन प्रीमियर लेक्चर के बाद एक लाइव आएगा जो बिहार स्पेशल का होगा। ठीक है, बिहार स्पेशल में एक दो नई चीजें हैं। देखो, जैसे नॉर्मली जितनी किताबें मैंने अभी देखी, यहाँ पे सारी किताबें मैंने रखी है बिहार स्पेशल की, दृष्टि भी रखी हुई है बिहार स्पेशल, इम्तियाज अहमद जी रखे हुए हैं और एक बड़ा प्यारा पब्लिकेशन है, क्या नाम है, परियोजना है, वो भी रखा हुआ है मेरे पास। और कोचिंग वाले ने जो एक दो निकाल रखा है, जैसे ये बीजे राम करके एक है, इनकी भी बुक रखी हुई है, कई सारी किताबें मैंने रख रखी है। इन सारे किताबों को देखने के बाद और बाकी मेरा जो अपना तरीका है उसको सोचने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया है कि आपको पढ़ाऊंगा इस बार टोटली मैपिंग की मदद से ही बिहार स्पेशल सीरीज, चाहे बिहार का जीके हो, बिहार स्टैटिक पार्ट, बिहार के राजकीय फल फूल प्रतीक, बिहार का बाकी सारा ज्योग्राफी, बिहार की हिस्ट्री, सबको मैं मैप की मदद से ही पढ़ाऊंगा ताकि जो किताबें मैपिंग वाली है उससे कुछ ज्यादा बेहतर आप तक पहुंचे। ठीक है, और रिवीजन हो जाएगा, जो पहले से आपके पास है वो तो आप पढ़ ही रहे हो, मुझे पूरा भरोसा है, और साथ में जो मैं डिस्कस करूंगा तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज
पहला दिन है इसका। थैंक यू सुमित, जवाब देने के लिए धन्यवाद। वसीम जी आप देख लीजिए, सुमित जी ने दिया है आंसर आपके क्वेश्चन का। चलिए सबको प्रणाम, सबको गुड इवनिंग, और किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि ये नए हूं कोई, यदि उनको लग रहा हो कि ये मास्टर कौन है, तो मेरा नाम सिर्फ आलोक है, आलोक मेन नाम है। मैं बेसिकली बिहार के जमालपुर मुंगेर शहर से का रहने वाला हूँ, वहीं से दिल्ली आया हूँ रहने। यहाँ तैयारी किया काफी लंबे समय तक, फिर संकल्प के हॉस्टल में रहा और तैयारी की और एग्जामिनेशन दिया। मैं अपनी ज्यादा गाथा नहीं गाऊंगा, नहीं हो पाया। फिर अभी मैं डीयू में, पीएचडी मेरा फाइनल जस्ट जल्दी ही होने वाला है। बाकी छोटे मोटे परिचय और भी बहुत सारे हैं, वो सब बाद में कभी। तत्काल आप देखो बिहार स्पेशल सीरीज के इस पहले क्लास में आज मैं सिर्फ और सिर्फ बात ये करूंगा कि बिहार शब्द जो नाम आप बिहार सुनते हो, इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। मतलब इंट्रो सेक्शन में हम बिहार की लंबाई, चौड़ाई, अक्षांश, देशांतर, राजकीय वृक्ष, राजकीय मतलब राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय खेल, इन सारी चीजों की बात करूंगा। लेकिन जिन क्वेश्चंस को पूछा है बीपीएससी ने बार बार, उसकी चर्चा पहले करूंगा। सबसे पहली बात, ये जो बिहार शब्द है, जो अपने राज्य का आधिकारिक नाम है बिहार, इससे फोकस करेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे। आधिकारिक नाम बिहार कैसे पड़ा हमारे राज्य का? पहले इस राज्य का अलग अलग नाम हुआ करता था। वैदिक काल में इस राज्य के लिए कहीं कहीं टर्म आया है कीकट, कहीं टर्म आया है ब्रात्य, फिर कहीं टर्म आया है विहार, और मध्य काल में इस टर्म को क्वाइन किया गया विहार। तो वैदिक काल से लेकर अब तक नाम में काफी कुछ परिवर्तन होता रहा। पहले कीकट, फिर ब्रात्य, फिर विहार, और जब स्वतंत्र अस्तित्व तो आया तो बिहार। पीटी में क्वेश्चन क्या आया है? पीटी में क्वेश्चन इस नाम से संबंधित तो नहीं आया है, अक्सर क्वेश्चन आया है बिहार दिवस को लेके, कि बिहार दिवस किस तारीख को, जैसे 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था बिहार दिवस कब मनाया गया, कब मनाया जाता है। 64वीं बीपीएससी में ही पूछा गया था बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश कब बना। 64वीं बीपीएससी में एक और क्वेश्चन पूछा गया था इसी से, कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन कब हुआ। तीनों के उत्तर ध्यान से मैं डिस्कस कर लूं आपसे और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक क्वेश्चन नेहा का है, सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश का और फोटो का। देखो जो भी भाई बहन अनुभवी हो ना, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, जो नए भाई बहन या कोई ऐसे भाई बहन कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हो जो आपको लगता है कि वो प्रश्न बहुत जरूरी है बताना, आपको जानकारी हो तो बता देना, यदि आप नहीं बता पाएंगे तो मैं तो बताऊंगा ही, मुझे पूरा अनुभव है, ठीक है। लेकिन आप सब बता देंगे तो मेरा थोड़ा सहयोग हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास में क्लास की तरह एक टीचर के रिस्पेक्ट में कॉपरेशन की भावना आप लोग आपस में रखिए और आपसी कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, बट जो मर्यादा है उसको ध्यान में रखना है ताकि किसी तरह का किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे यूट्यूब पे ज्यादा फालतू लोग नहीं टिक पाते हैं, जो टिकते हैं उनको मैं जानता हूं एक एक को नाम से, तो प्लीज एक दूसरे को कॉपरेट करते रहिएगा, ठीक है। ठीक 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 है नेहा, नेहा बता रही थी, थैंक यू बेटा। सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश का और फोटो का स्कैन करके भी फिल करना पड़ता है। थैंक यू सो मच, एक दूसरे की कॉपरेशन कीजिए। इस प्लेटफॉर्म को आप जितना प्रोडक्टिव बनाएंगे, विश्वास करिए ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म है, ज्यादा कोई व्यापार नहीं है। आप यदि व्यापार होता तो अब तक मैं बहुत लोगों को मेरे साथ यहाँ देखते, झुंड देखते, और सब मिलके आपको इमोशनली जोड़ने की पूरी कोशिश करते कि जुड़िए, लड़िए, हम लड़ सकते हैं हम। अरे भाई मेरे, जो सिविल सर्विस की तैयारी करने का सोचा है, मेरा मानना है कि उसको मानसिक रूप से बहुत अधिक सबल होना जरूरी है। कोई आपको भावुक कर दे, कोई आपको आपका अटेंशन ले ले, तो आप ज्यादा इमोशनल हैं तो फिर भटकेगा मन। भटकाव से बचने का सीधा तरीका है क्या, अंदर से आप स्ट्रांग होइए कि पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेबस पे होना चाहिए। और एक बात याद रखिए,
आप ही अपने आप को सिलेक्शन दिलवाएंगे। किसी से उम्मीद रखना नहीं है, सीखना है, और सीख तो हम निर्जीव से भी सकते हैं। हर किसी से सिर्फ सीखने पर फोकस कीजिए। इस बार बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिएगा। मैं आपसे बिहार स्पेशल में ज्यादा समय नहीं लूंगा। बिहार स्पेशल मेरा टारगेट है कि आपको 30 लेक्चर अवेलेबल कराऊंगा, यानी 30 घंटे का लेक्चर, एक एक घंटे का एक लेक्चर यदि हो जाए, कोई लेक्चर यदि 2 घंटे का हुआ तो आगे जो लेक्चर है वो मैनेज होगा। 30 आवर्स आपका चाहिए मुझे, 30 घंटे में मैं बेहतरीन बिहार का पूरा स्पेशल अतिरिक्तांक, जिसमें सब कुछ शामिल है, बिहार बजट भी, बिहार इकोनॉमिक सर्वे भी, और बिहार का जो सेंसस है, जनगणना वाला पूरा सेक्शन भी, बिहार का बन रिपोर्ट भी उसमें शामिल है। 30 आवर्स एंड कंप्लीट बिहार स्पेशल एंड एवरीथिंग विल बी हियर। आपके इसी चैनल पे इसी फैमिली के साथ सबके साथ बांटेंगे, जो पेड अनपेड। मेरे पास सच बताऊं तो जितने बच्चे तुमको दिखते हैं इस ग्रुप में, आपको दिखते हैं ज्यादातर मेरे वही बच्चे हैं जो मुझे पेड भी कर रखे, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं उन सबका कि वो मुझे कभी ये नहीं कहते कि एक आध बच्चा कहता है कि सर ऐप पे पढ़ाओ वहां छोड़ दो, लेकिन ज्यादातर बच्चा मुझे ये कभी नहीं कहा कि आप यूट्यूब पे क्यों पढ़ा रहे हो, केवल ऐप पे पढ़ाओ, क्योंकि ऐप बन चुका है लेकिन ऐप वाली क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाई मेरी प्रॉपरली, और जो उसमें लाइव नहीं जा रहा हूं, उसमें अभी रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं, और 2-3 दिन के अंदर सारा अपलोड करके डाल दूंगा। लाइव वहां भी जाना है मुझे, क्योंकि उनके सहयोग से मेरा यूट्यूब चल रहा है। यूट्यूब के सहयोग से कुछ नहीं चल रहा है, ओपनली बता रहा हूँ, यूट्यूब ऐसा कुछ नहीं प्रमोट करता है देता कि उससे उतने का तो, उससे ज्यादा का तो मैं जो पानी वानी है वो सब डब्बा डिब्बी पी जाता हूँ, ठीक है, जितना यूट्यूब देती नहीं 2-3 महीने में। तो यूट्यूब कुछ नहीं देता, जो भी कॉपरेशन है वो आप लोग का ही कॉपरेशन है, और बाकी हम अपना खुद लगाते हैं, बट मजा आता है मुझे ये काम करने में, इसलिए इसको कंटिन्यू करके रखे हैं। एक एक करके कॉपी पेन रेडी रखना, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं ना, कि पहला सेक्शन होगा बिहार प्रस्तावना। ये संविधान वाला प्रस्तावना नहीं है, ये मतलब बिहार कब कैसे बना उससे रिलेटेड एक सेक्शन है, जिसमें कुछ पॉइंट्स मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। चलो, इसमें सबसे पहले हमें बिहार के नामकरण पे फोकस करना है, यानी ये जो शब्द है बिहार कहां से आया, कैसे आया, इस पर बात करेंगे, और बिहार एक राज्य के रूप में कैसे आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछता है, एक राज्य के रूप में कैसे आया, कैसे बना बिहार राज्य, क्या बिहार राज्य था कभी पहले से, नहीं, बिहार राज्य बना बाद में, बिहार नाम का पहले कोई स्टेट हुआ नहीं करता था ऐसा, ठीक है, मगध था लेकिन बिहार नहीं था। तो हम बिहार के रूप में यदि देखें, ये शब्द जो आज हम क्वाइन कर रहे हैं बिहार, ठीक है, इस शब्द पर कंट्रोवर्सी भी है, कुछ नए लोग इस पर आंदोलन भी चला रहे हैं कि बिहार का नाम बिहार राज्य नहीं होना चाहिए, ये नाम गलत नाम है, तो नया नाम होना चाहिए, तो वो सब मिथिलांचल होना चाहिए या मगध होना चाहिए, तो वो सब एक पॉलिटिक्स का हिस्सा मैं मानता हूं, बाकी जो है वर्तमान में उस पर चर्चा कर लें, ठीक है, वो तो अलग एक मैटर है, राष्ट्र भक्त लोगों का अपना अपना एजेंडा है। बिहार नाम कैसे पड़ा, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपने रखना है कि बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण, जो बौद्ध विहार क्या होता है, बौद्ध विहार क्या होता है, मैं इस पर भी चर्चा कर लूं, बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में बौद्ध विहार मिले, इसलिए इसको मध्यकालीन इतिहासकारों ने विहार और उसी का अपभ्रंश नाम विहार कर दिया। हालांकि केवल विहार नाम नहीं था, मनीष का सलाह है 25 दिन में समेट दीजिए, मनीष मैं 10 दिन में समेट सकता हूं, ठीक है ब्रदर, मनीष कुमार मेरा जान प्राण है वो बच्चा, ठीक है, तो मनी फिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं 10 दिन में, अब ना एक और चीज सीख गया हूं, मैं जब फ्री होता हूं ओबीएस पे रिकॉर्ड करता हूं, रिकॉर्ड करके प्रीमियर कर देता हूं, तो प्रीमियर केवल ऐसा नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री का ही आएगा, और मॉडर्न हिस्ट्री भी मैंने तुम्हारे लिए ही किया है मिस्टर मनीष कुमार, ठीक है दोबारा जो मैंने किया है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री सिस्टमैटिकली, अभी उसमें और लेक्चर मैंने प्लान किया, 2-3 और कर देंगे। मनीष मेरा भाई छोटा जो है ये हिस्ट्री स्पेशलिस्ट है, इसको मुझसे हिस्ट्री सुनने में थोड़ा मजा आता है, बचपन की कुछ यादें जुड़ी है, तो इनका कहना है कि 25 दिन में समेट दीजिए,
गुरुदेव मैं 10 दिन में बिहार स्पेशल समेट देता हूँ। आप में से जितने भी भाई बहन मुझसे जुड़े हैं और उनको उम्मीद है कि आलोक भैया कुछ मदद करेंगे, तो आलोक भैया के पास जो क्षमता है पूरी ताकत झोंक देंगे भाई में, ठीक है, सब तब तरीके से यहाँ पे। तो टेंशन लेने का नहीं है। टीचर वाले जो भी भाई सब मुझे सुन रहे हैं, सुन लीजिएगा, 10 दिन के अंदर मैं पूरा बिहार स्पेशल आपके सामने रखूंगा और बहुत अलग स्टाइल में। ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल जो चल रहा है मार्केट में वही गाना गाऊंगा, नहीं, मैं अपना, अब मेरा अपना अंदाज है, ऐसे ही जिसको पसंद है ठीक है, नहीं पसंद है तो फिर आगे बढ़ो। बिहार नाम कैसे पड़ा? बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण। कई बच्चों के मन में सवाल आता है कि ये बौद्ध बिहार का मतलब क्या है। देखो, जो बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म में जो अपने को दीक्षित करते थे, जो भी चले जाते थे, जिसको आप पाली भाषा में भिक्खु कहते हो या भिक्खुनी भी कहते हो, भिक्खु भिक्खुनी, या आप शुद्ध भाषा में कहो तो भिक्षुक, शुद्ध मतलब संस्कृत में कहो तो भिक्षुक और भिक्षुनी, उसको मेनली जो भी बौद्ध भिक्षु या भिक्षुनी होते थे उनके ठहरने के लिए गुफाएं बनाई जाती थी पहाड़ों को काट के या फिर जंगल में रहने के लिए। तो जो गुफाएं बनाई जाती थी उन गुफाओं को ही बिहार कहा जाता था। राजगीर हो गया, नवादा, गया, इन इस वैशाली और भी स्थानों में, बहुत स्थानों में, बिहार के ज्यादातर हिस्सों में, बहुतायत में बौद्ध बिहार मौजूद थे। कुछ के खंडहर आज भी हैं और कुछ खत्म हो गए। तो इन्हीं की अधिकता के कारण पहले नाम दिया गया बिहार। ये रहने का स्थान था, भिक्खु भिक्खुनियों के आवास थे, ये सन्यासियों के आवास थे जिनको हम बौद्ध बिहार कहते हैं। और इन बिहारों में दो चीजें जरूर होती थी, चैत्य होता था। चैत्य क्या होता है? चैत्य जानते हैं? चैत्य क्या होता है? कितने बच्चों को पता है चैत्य? इन बिहारों की एक खासियत थी, बिहारों में चैत्य होता था, जहां पे जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुनी थे वो प्रार्थना किया करते थे चैत्य। कमेंट सेक्शन में बता भी दिया कीजिए जिनको पता हो, जानकारी हो, चैत्य क्या होता था। कभी हो सकता है कि ये आपको प्रश्न के रूप में दिख जाए। आपने चैत्य सुना होगा, ठीक है, अस्तूपा तो सुना होगा आपने, लेकिन चैत्य भी हर एक बौद्ध विहार में चैत्य जरूर होता था। पूजा स्थल, बहुत सही, सही कहा आपने, पूजा स्थल होता था, प्रार्थना गृह होता था, जहां ये बौद्ध भिक्षु प्रार्थना करते थे, ठीक है। तो चैत्य की मौजूदगी होती थी। किसने सबसे पहले ये बिहार शब्द का पहला प्रयोग इस क्षेत्र के लिए किसने किया? बिहार शब्द किस इतिहासकार के द्वारा प्रयोग में लाया गया? सबसे पहले आज इंट्रो है, हम आज बिहार को ही, कैसे, दो ही टारगेट है अभी आज मेरा, तीन करेंगे। एक, बिहार शब्द कहां से आया, कैसे आया, और इतिहास में बिहार का नाम कहां कहां आया है, कैसे कैसे आया है। दूसरी चीज जिस पर हम चर्चा करेंगे कि एक राज्य के रूप में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राज्य के रूप में बिहार कैसे आया। और तीसरी चीज बात करेंगे बिहार के जितने भी प्रतीक हैं, राज्य के जो प्रतीक चिन्ह है, चाहे जरदालु आम हो या फिर मांगुर हो या पीपल का पेड़ हो। कई बच्चे किताबों में जरदालु आम नहीं देखते हैं, सोचते हैं जरदालु आम का क्या कनेक्शन है बिहार के साथ। भागलपुर क्षेत्र में एक खास आम उपजता है जिसको जरदालु आम कहते हैं, और जरदालु आम को राजकीय फल, बिहार का स्टेट फ्रूट, राजकीय फल का दर्जा प्राप्त है। किताबों में बहुत कम ही उसकी चर्चा है, इसलिए मैंने अलग से उसकी तस्वीर खोज के गूगल से निकाल के लगा दी। तो राजकीय फल भी याद रखना, क्योंकि जितने भी किताब देख रहा हूं इसमें किसी में जरदालु आम का चर्चा नहीं है। अपना भागलपुर मुंगेर जरदालु आम खा के बड़ा होता है, कैसे छोड़ सकते हैं। राजकीय फल भी याद रखना। बिहार शब्द सबसे पहले किस इतिहासकार ने अपने पुस्तक में बिहार को संबोधित करके लिखा, और उस इतिहासकार के लिखे किताब के कारण पूरे बिहार का इतिहास आज आप पढ़ते हो। बिहार के इतिहास के जानने का प्रमुख स्रोत वो किताब है। बिहार के इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत उस पुस्तक को माना जाता है। तो किसी भाई बहन को जानकारी है उस पुस्तक का, जिस पुस्तक को बिहार ने, बिहार के बारे में, मुस्लिम शासक नहीं है, ठीक है, जीआई टैग भी मिला है उसको, एक बच्चा भाई मेरा मनी लिख रहा है, मनीष कुमार। किस इतिहासकार ने, मैंने ये कहा क्वेश्चन, मध्यकालीन इतिहासकार ने सबसे पहले अपनी एक पुस्तक में
ये शब्द जो मैं कह रहा हूं बिहार, इस शब्द का प्रयोग किया इस क्षेत्र को दर्शाने के लिए। अच्छा, अब आया ना सही जवाब। तबकात ए नासिरी में मिनहा मेहनाज ए सिराज, सिराज सिराज सही है, बिल्कुल सही जवाब है। और इसको याद रखने का, एकदम दिमाग में रखने का, इसीलिए तो कुछ लोग अभी आंदोलन चला रहे हैं, कुछ बेहतरीन लोग सब आंदोलन चला रहे हैं कि बिहार का नाम जो है बिहार नहीं होना चाहिए, तो बिहार का नाम मिथिलांचल होना चाहिए, तो बिहार का नाम मगध होना चाहिए, तो बिहार जो है उनका दिया हुआ नाम है, मतलब बाहर से जो आक्रमणकारी लुटेरों का दिया हुआ नाम है। कई लोगों का ऐसा है, कुछ लोग तो बिहार को बिहार शरीफ जो पहले नाम था वो देने की बात कर रहे हैं। अलग अलग लोग, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना वाली बात आ जाती है, जितनी मुंडी उतनी विचार। तो मध्यकाल में एक बिहार के इतिहास की जो सबसे विस्तृत चर्चा हमें मिलती है वो मिनहाज उस सिराज का तबकात ए नासरी नाम की किताब मिलती है। उसी किताब में सबसे पहले ये शब्द स्पष्ट रूप में इस क्षेत्र को इंगित करके लिखा गया है बिहार, ये जानना जरूरी था। दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे, अब थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। ऐतिहासिक काल में चलते हैं, पहले प्राचीन काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, तो प्री जो पैलियोलिथिक काल था, ठीक है, चलिए उदंतपुरी को बिहार शरीफ नाम दिया गया, ठीक है। अब देखो बिहार के नाम को यदि हम संदर्भित करें, तो प्राग ऐतिहासिक काल में इस शब्द का कहीं कोई अस्तित्व नहीं था। प्रागैतिहासिक काल में इस शब्द का कोई अस्तित्व नहीं था, और सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में प्रागैतिहासिक काल में इसका क्या नाम था, तो ऋग्वेद से पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे, ऋग्वैदिक काल में जो आर्य आए, आर्यों ने इस क्षेत्र को कीकट और इस क्षेत्र में रहने वाले लोग को ब्रात्य, कीकट क्षेत्र का नाम था और ब्रात्य इस क्षेत्र में रहने वाले लोग का नाम था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कीकट का मतलब जो होता है जंगली घास वाला क्षेत्र, अलग अलग किताब में अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो कीकट शब्द जो इन्होंने प्रयोग किया था ऋग्वेद में बिहार के लिए, ऋग्वेद में एक बच्चा लिख रहा है किरात भी बोलते थे, मैं बात कर रहा हूं उस पर, ब्रात्य के अलावा सही कहा आपने, किरात भी बोलते थे जनजाति जो थी यहां पे इन जंगलों में रहने वाली, किरात, किरात भी कहा जाता था लोगों को, ब्रात्य भी कहा जाता था लोगों को। तो वैदिक काल में सबसे पहले इस क्षेत्र का नामकरण हुआ और नाम सबसे पहले इस क्षेत्र का कीकट रखा गया। कीकट जो है वो जंगली क्षेत्र के लिए, जंगली भूभाग के लिए यूज किया गया नाम था ऋग्वेद में। ऋग्वेद के बाद अथर्ववेद में इस क्षेत्र को कीकट के नाम से नहीं पुकारा गया, अथर्ववेद में इस क्षेत्र को अंग और मगध दो अलग अलग क्षेत्रों में दो अलग अलग क्षेत्रों के रूप में इसका नाम रखा गया, ठीक है। तो अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद में लिखा गया वेद है, और अथर्ववेद में इसको दो भागों में स्पष्ट किया गया, उत्तरी भाग को मगध कहा गया और मगध के पाद वाले भाग को कहा गया अंग, अंग और मगध के नाम से इसको
पुकारा गया है अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में अंग और मगध के नाम से पुकारा गया इस क्षेत्र को, ऋग्वेद में कीकट और ब्राप्त के नाम से पुकारा गया इस क्षेत्र को। ब्राप्त याद रखिएगा, ये जो किरात आपने लिखा है कुछ किताबों में कीकट को स्पष्ट करने के लिए किरात शब्द का प्रयोग किया है, तो कीकट से ज्यादा जरूरी है जानना आपको, किरात से ज्यादा जरूरी है आपको जानना कीकट शब्द को, ठीक है। तो आप याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ऋग्वैदिक काल में कीकट और ब्राप्त साथ में किरात भी, जंगली लोगों को किरात, जनजातीय लोगों को किरात कहा गया। किरात शब्द से आप परिचित भी होंगे, एक किताब का नाम था किराता अर्जुन्यम, सुना है क्या? नहीं सुना है? किराता अर्जुन्यम किसने लिखा? किराता अर्जुन्यम जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, किराता अर्जुन्यम किसने लिखा है? मैं थोड़ा ऐसा ही मास्टर हूं, कहीं से कहीं कुछ से कुछ पूछने लग जाता हूं, थोड़ा मेंटल केस है मेरा थोड़ा सा। तो बताओ जल्दी, किराता अर्जुन्यम किसने लिखा? मनीषा भारती लिख रही है, भास कुमारी संस्कृति बड़ी ओल्ड और मेरी पुरानी बच्ची है, वो लिख रही है, लिख रहे हैं भारवी, किराता अर्जुन्यम। और लोग जल्दी बताओ, इतने सारे लोग हो आप लोग, पता नहीं क्यों आप मतलब एक लोग लिखते हो, बस दो लोग लिखते हो। संस्कृति का उत्तर सही है, संस्कृति ने सही कहा, भारवी ने ही लिखा है किराता अर्जुन्यम। किराता अर्जुन्यम एक अपने आप में बहुत चर्चित महाकाव्य है, बुक है, किराता अर्जुन्यम नाटक है, समझो ये ना, सांगोपांग महाकाव्य है किराता अर्जुन्यम। वाह अच्छा है। तो किराता अर्जुन्यम जो है एक महाकाव्य है जो लिखे हैं भारवी ने, महाकवि भारवी ने, संस्कृत साहित्य है। और इसमें इन्होंने महाभारत में वर्णित एक कैरेक्टर है जो शिव जी ही हैं, शिव जी रूप बदल के आते हैं अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं और फिर अर्जुन को राजनीति, धर्म नीति, कूटनीति, समाज नीति, युद्ध नीति, हर तरह की शिक्षा दे जाते हैं, टीचिंग दे जाते हैं। तो किराता अर्जुन्यम में किरात के रूप में शिव ही आए थे और किरात का रूप धारण किया था, यानी किरात आप देखोगे जब आप किराता अर्जुन्यम या महाभारत के उस प्रसंग को, तो ऐसे पंख वंख लगाए हुए और आदिवासी क्या गेटअप में शिव जी आए हैं अर्जुन से लड़ने, यानी इट मींस जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं ना उन लोगों को किरात कहा जाता है। तो कीकट मतलब जंगली क्षेत्र और उस जंगली क्षेत्र में रहने वाले लोग किरात। ये किरात शब्द, ये कीकट शब्द, ये ब्रात्य उनका दिया है जो बाहर से आए, आर्य, जो एक कॉन्सेप्ट है कि आर्य बाहर से आए। हालांकि अब तो नया रिसर्च अलग दावा कर रहा है कि नहीं भाई कोई बाहर से नहीं आया, आर्य यहीं के थे। तो आर्य जो थे, बाल गंगाधर तिलक ने कहा आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, किसी ने कहा बोगास कोई गांव, अलग अलग लोग अलग अलग जगहों से आर्यों के आने की बात करते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री को कर दिया गया है। शूद्र और आर्य जो कॉन्सेप्ट है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो उस पर जाना ही नहीं चाहिए, अब वर्तमान में जीने की जरूरत है। तो वर्तमान में हम बस तीन चार शब्द आपसे रटवाना चाहते हैं। कीकट ब्रात्य ऋग्वैदिक काल में इस बिहार क्षेत्र को पुकारा गया, अथर्ववेद में यहाँ पे महाजनपदों का उदय हो चुका था, और बिहार में कितने महाजनपद डेवलप हो चुके थे उत्तर वैदिक काल में, बिहार में कितने महाजनपद डेवलप हो चुके थे, ये क्वेश्चन है इतिहास वाले छात्रों से। उत्तर वैदिक काल में बिहार में कितने महाजनपद विकसित हो गए थे? अब इस महाजनपद के साथ उन गणराज्यों का भी नाम लेना, कितने महाजनपद विकसित हो चुके थे। जब आप पढ़ते हो ना काशी कौशल अंग बंग, तो बंग को छोड़ दो, मगध है, अंग है, बज्जी, तीन, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, धन्यवाद। ठीक है, तीन है, तीन, मगध, अंग और बज्जी, मगध, अंग और बज्जी। जो वैशाली लिख रहे हैं ना वो बज्जी संघ का ही एक तरीके से आप समझिए तो कैपिटल रहा होगा, जो एक अध्यक्ष थे ना बज्जियों के, जो अध्यक्ष बज्जियों के अध्यक्ष, बज्जी गणराज्य था, बज्जी क्या था, गणराज्य, रिपब्लिक था, तो उसके अंदर कई छोटे 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 जन मिलकर के उस गणतंत्र को विकसित किए थे। तो तीन मेनली माना जाएगा, बिल्कुल सही, अंग जो भागलपुर मुंगेर वाला क्षेत्र है वो अंग था, मगध जो आप गया और
पटना वाला जो क्षेत्र आप देखते हो मगध था, और बज्जी यानी जो वो वैशाली वाला जो क्षेत्र देखते हो उधर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर वैशाली वाला क्षेत्र वो बज्जी था, उधर चंपारण साइड जो चला जाता। तो ये तीन विकसित थे, विकसित हुए थे, तीन में से एक ने बाकियों को कब्जा कर लिया। तो वो तो खैर इतिहास जब पढ़ेंगे बिहार का तो हम देखेंगे। अब कवाल कभी कभी मन में क्वेश्चन आता है कि यदि अंग बंग बज्जी ये सब था तो फिर ये मिथिलांचल का क्या कॉन्सेप्ट था। मिथिलांचल जो अभी चल रहा है, मिथिला या विदेह, ठीक है, विदेह या मिथिला का क्या कॉन्सेप्ट था, इस पर भी हम आएंगे। बिहार का कुछ क्षेत्र काफी लंबे समय तक विदेह या मिथिला के नाम से जाना जाता रहा, जिसमें नेपाल के भी कुछ प्रदेश प्रांत शामिल थे, जो माँ सीता का जो घर है, माँ सीता की जो जन्मभूमि है, रामायण महाकाव्य में माँ सीता नाम का जो चरित्र गढ़ा गया है, उस महाकाव्य का वो चरित्र जीवंत रूप से इसी बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र की कन्या थी। तो मिथिलांचल नाम से भी बिहार अस्तित्व में रहा है। बिहार का खास करके जो वह भूभाग जो समस्तीपुर के आसपास का जो भूभाग है वो पूरा का पूरा केंद्र रहा है, फिर दरभंगा और जो भी मिथिला भाषा में जो बोलता है, मैथिली भाषा भी जो बोलते हैं, वो सारा क्षेत्र कभी ना कभी मिथिलांचल का पार्ट रहा। तो हो सकता है कि उत्तर वैदिक काल में ही अंग भंग मगध के पहले मिथिलांचल अस्तित्व में रहा हो। इसको हम जब इतिहास पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे कि व्हाट वाज द कनेक्शन बिटवीन द मगध एंड मिथिलांचल, ठीक है, कौन कौन सा वंश मिथिलांचल में रहा, कितने समय तक मिथिलांचल में जनक के किन किन वंशजों ने राज किया, और कौन से जनक से सीता जन्मी। जनक एक टाइटल था, जनक जो था ये एक उपाधि, जैसे साहु जी बनिया जी लिखते हैं लास्ट में, मनीष कुमार साह, मतलब ऐसे ही बता रहा हूं कि टाइटल था जनक, एक्चुअल में जनक का कुछ और नाम था जिनसे सीता जन्मे, तो उस पर हम बात करेंगे डिटेल में इतिहास में। अब हम आते हैं कि ठीक है, जब बिगिनिंग से बिहार शब्द था ही नहीं, तो फिर ये बिहार तबकात ए नासिरी में, तबकात ए नासिरी में मिनहाज उज सिराज, उल होता है उल, मिनहाज उल सिराज, ने इस क्षेत्र को बिहार नाम से संबोधित किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसके अब्बा ने यहां नाम रख दिया बिहार इसका, वो यहां आया और उसको यहां के क्षेत्र का नाम बिहार नाम सुना उसने और अपने पुस्तक में इसको जगह दिया। इसका मीनिंग ये आता है कि बिहार राज्य का नाम बिहार मध्यकाल में पड़ा, और बिहार राज्य का नाम या इस क्षेत्र का नाम बिहार मध्यकाल में पड़ा, जब यहां पर मध्यकाल में पड़ा, जब यहां मुस्लिम शासन प्रारंभ हुआ, मुस्लिम शासन प्रारंभ हुआ, क्योंकि प्राचीन काल में तो इसका नाम मगध था और मगध महाशक्तिशाली हुआ करता था, और इस बार के एग्जाम के लिए मगध का पूरा क्षेत्रफल है, मगध साम्राज्य वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मगध के साम्राज्य की फोटो नई वाली संसद में लगा दी गई। मगध के साम्राज्य जो मगध का जो साम्राज्य था, खास करके सम्राट अशोक के समय में साम्राज्य था, उस साम्राज्य की एक इमेज सेंट्रल विस्टा में लगा दी है नई गवर्नमेंट ने, अखंड भारत के नाम से जो इमेज लगाया गया है। संसद में सेंट्रल विस्टा, सेंट्रल विस्टा जो नई संसद आई है उसमें, और उस इमेज पर बड़ा डिस्कशन है, क्योंकि उस इमेज का जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है कुछ क्षेत्र, उसको कलर अलग कलर से दिखाया गया है, और बाकी जो पार्ट है उसको अलग कलर से दिखाया गया, तो कहीं ना कहीं
एग्जाम में बीपीएससी पूछ सकती है, मुझे लगता है 100% एक क्वेश्चन यहां से बना सकती है कि मगध साम्राज्य के। अच्छा, सुमित ने एक और चीज लिखा, पिछले क्लास में मैंने सतपथ ब्राह्मण का जिक्र भी किया था, जो बच्चा लिख रहा है ना सतपथ ब्राह्मण में, सतपथ ब्राह्मण में बिहार शब्द का जिक्र नहीं है मालिक में, सतपथ ब्राह्मण में इसको विदेह कहा गया है। ठीक है सुमित जी, जो लिख रहे हैं मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, सुमित जी मैं रिपीट करना चाहता हूं, लगभग 800 ईस्वी पूर्व में रचित सतपथ ब्राह्मण में, सतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव और उसके पुरोहित गौतम राहुगण सरस्वती नदी के तट से आगे बढ़ते हुए सदानीरा गंडक नदी पर पहुंचे थे। तो गंडक नदी पर जो वो पहुंचे थे, तो उन्होंने बिहार इसको नाम नहीं दिया, सतपथ ब्राह्मण में कहीं बिहार शब्द का जिक्र नहीं है। तो जो किताब आपने पढ़ी है उस किताब में ठीक से पढ़िएगा, वो इस सेंस में नहीं लिखा है कि उन्होंने वो बिहार तक को, सतपथ ब्राह्मण में कैसे ये शब्द आएगा बिहार, आ ही नहीं सकता, क्योंकि उस समय ये शब्द वॉ को वॉ जो है वॉ को वॉ ही पढ़ते हैं हम, लेकिन जो अरब क्षेत्र से आते हैं, जो अरब क्षेत्र के हैं, वो वॉ को बॉ पढ़ते हैं। तो ये जो शब्द था विहार था पहले, और विहार भी बौद्ध के विहारों की अधिकता के कारण ये विहार था। ठीक है, तो विहार में वॉ को उन्होंने बॉ पढ़ा, अरबी ईरानी अफगानियों ने, तो उन्होंने इस नाम को अपभ्रंशित करके बिहार किया। ठीक है, आपने जो पढ़ा है मैं बताता हूं, सतपथ ब्राह्मण में इस बात का जिक्र है कि सबसे पहले बिहार तक कौन आया था, मतलब बिहार यानी इस क्षेत्र तक कौन आया था, यानी जो वर्तमान बिहार है उस इस बिहार के गंडक नदी तक सबसे पहले आने वाला दो व्यक्ति थे, विदेह माधव और गौतम राहुगण उसके पुरोहित, ऐसा एक स्टोरी है कहीं पे। और सतपथ में बिहार नहीं लिखा है, उसका जो व्याख्या किया लोगों ने, सतपथ में गंडक नदी लिखा है। अब गंडक नदी जो बह रही है वो कहां बह रही है, बिहार से होके बह रही है। तो गंडक नदी तक यदि आए थे विदेह माधव और उसके पुरोहित गौतम राहुगण, तो यानी वो बिहार आए थे सबसे पहले। ये जंगली क्षेत्र था, और जंगली क्षेत्र में जो लोग रहते थे वो किरात रहते थे, उन किरातों को बार बार आक्रमण करके हराया आर्यों ने, और आर्यों ने किरातों को हरा करके यहां जंगलों को साफ करके गंगा नदी के तट पर अपनी बस्तियां बसाई, और उन्हीं बस्तियों का जब विस्तार हुआ तो उससे मगध महाजनपद बना, उसी उन्हीं बस्तियों का जब विस्तार हुआ तो अंग महाजनपद बना, बज्जी महाजनपद बना। तो जब अंग मगध बज्जी डेवलप हो गया तब जाकर के ये क्षेत्र जो है आबाद हुआ, तो यहां मगध साम्राज्य का उद्भव और विकास हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। और हाँ, जब विदेह माधव आए थे और उसके गौतम राहुगण आए थे, तो उस समय भी बौद्ध विहार नहीं था यहाँ पे। कारण क्या था, ठीक से समझिए, सोचते जाइए। बुद्ध का जो बौद्ध धर्म आया, वो बौद्ध धर्म जो आया उसके बुद्ध जन्म ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले आया था, और विदेह माधव बुद्ध के जन्म मतलब ईसा मसीह के जन्म के 800 साल पहले आए थे। तो बुद्ध के जन्म के 200 साल 300 साल पहले ही आए थे विदेह माधव, सतपथ ब्राह्मण के अनुसार। तो जब बुद्ध ही नहीं तो बौद्ध विहार कहां से, जब बुद्ध विहार ही नहीं, बौद्ध विहार ही नहीं, तो इस क्षेत्र का नाम कहां से बिहार। तो इस क्षेत्र का नाम बिल्कुल भी उस समय बिहार नहीं था, ना ही इस क्षेत्र को, बस उन्होंने गंडक नदी तक का रास्ता तय किया, गंडक नदी तक के आने और यहां तक क्षेत्र को जीतने और यहां पे विदेह बस्ती बसाने, विदेहों की बस्ती बसाने का जिक्र सतपथ ब्राह्मण में है। और ईसा मसीह के 800 साल, ईसा मसीह के जन्म के 800 साल पहले ही आए थे वो विदेह माधव, उसी के वंश में आगे चलकर फिर सीता जन्मेंगी। ठीक है, विदेह माधव, देखो समय में बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन पैदा होगा, समय पे मत जाओ, अभी बस ये समझो कि ये टर्म जो बिहार आया, ये तबकात ए नासरी में मिनहाज उल सिराज
ने इस क्षेत्र को बिहार के नाम से संबोधित किया, इसलिए कंट्राडिक्शन हो रहा है। एक क्वेश्चन मेरा आपको एकदम 100% श्योर है, मेरा माइंड कहता है कि आने वाले समय में कि सेंट्रल विस्टा में अशोक के समय का अखंड भारत का एक बेहतरीन पेंटिंग लगाया गया है, तो उस पेंटिंग को गूगल करके उस पेंटिंग को देखना, और देख करके आप एक चीज जरूर नोटिस करना कि दक्षिण भारत के कौन कौन से प्राचीन राज्य, दक्षिण भारत में कई प्राचीन राज्य थे जिसको आप पांड्य के नाम से जानते हो, पांड्या, चेर के नाम से जानते होगे, तो चेर पांड्या, आपने पल्लव नाम सुना है, सब चेर वंश, पांड्या वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, इनमें से जो बिगनिंग में नीचे एकदम नीचे केरल का एकदम इलाका, केरल तमिलनाडु वाला क्षेत्र, अभी ही देख लेना जब आपको फुर्सत मिले या वक्त मिले तो एक बार आप सेंट्रल विस्टा में जो अखंड भारत की पेंटिंग लगाई गई, जिस पेंटिंग पे कितनों को मिर्ची लगी है कि भाई उसमें अफगानिस्तान तक बॉर्डर दिखाया गया है, ईरान तक बॉर्डर दिखाया गया है, इधर बर्मा वर्मा सब समेट ले है, पूरा बांग्लादेश नेपाल सब समेटे हुए है, लेकिन अपने इंडिया का नीचे वाला जो पोर्शन, वो नीचे साउथ एकदम सदर्न पोर्शन, केरला तमिलनाडु वाला रीजन, वो थोड़ा डीम लाइट से दिखाया गया है। क्यों? वहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि मगध साम्राज्य के अधीन इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं था, क्वेश्चन बन सकता है। बार बार कह रहा हूं, दावा कर रहा हूं कि चांसेस 100% है वहां से एक क्वेश्चन बनने का, इसलिए ठीक से देखना है उसको, पूरे इमेज को गूगल से ढूंढ के लाना है और उसको फिर समझना है। कल जो बिहार स्पेशल की क्लास होगी, मैं पहले से उस पर काम करके, अभी जस्ट मेरे माइंड में ये टॉपिक आया कि मे बी पॉसिबल सेंट्रल विस्टा के उस अशोक के साम्राज्य की पेंटिंग से क्वेश्चन बन सकता है, तो कल खुद मैं भी चर्चा करूंगा कि वो उस काल में कौन कौन से ऐसे वंश थे जिनको अशोक अपने साम्राज्य में सीधे शामिल नहीं कर पाए, ठीक है, यानी मगध की साम्राज्य में से शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन वो मगध को टैक्स देते थे, पूरी तरह से शासित नहीं थे मगध के द्वारा। और कितने राज्य थे मगध के साम्राज्य में, ये सब तो एनसीईआरटी में भी लिखा है, उस पर चर्चा हम करेंगे, ठीक है। वो चेर पांड्य है, चेर और पांड्या है, ऐसे चोल तो बहुत बाद में डेवलप हुए, चेर और पांड्या है, हम उस पर बाद में बात करेंगे साहब। अगले पॉइंट पे आता हूं, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है आज का उस पर आ जाता हूं, बिहार के बारे में थोड़ा जो जिक्र करना था मैं कर लिया। अब आते हैं कि जब मध्यकाल में बिहार शब्द आया और उसके बाद से ये बड़ा पॉपुलर हो गया, लोगों ने इस नाम को पसंद किया, ठीक है, एक्सेप्ट किया, बिहार को स्वीकार लिया गया इस नाम को, क्योंकि लंबे समय तक आप सोचो बख्तियार खिलजी के टाइम से, यानी सल्तनत काल कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम का था, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक एक तरीके से कॉम्पिटिटर थे समझिए, बख्तियार खिलजी जो था वो किसी भी हाल में कुतुबुद्दीन ऐबक की जगह लेना चाहता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी लगभग समकालीन थे, किस्मत कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ थी, बख्तियार खिलजी भी अपने आप में एक महान लुटेरा, महान आतंकी था, जीतना चाहता था अपना पैरेलल में गवर्नमेंट, अपना साम्राज्य बनाना चाहता था विदेशी, तो बख्तियार खिलजी के बाद से इस लंबे समय तक, पूरा सल्तनत काल, पूरा मुगल काल, लंबे समय तक उसी नाम से पुकारा जाता रहा यह क्षेत्र, उन लोगों ने ही इनका नामकरण किया, यानी सल्तनत काल और मुगल काल में यह नाम इतना प्रचलित हो गया कि फिर इस पूरे क्षेत्र के जो वासी थे इन्हीं नाम के साथ उनका अटैचमेंट हो गया, और अब हम बिहार और बिहारी एक पर्याय बन चुके हैं। अब इसको नया नाम देना बड़ा कठिन हो जाए, जिस नाम से आपको बचपन से पुकारा जाता रहा, मतलब एक लंबे समय से इससे जुड़ाव रहा इस नाम से, और फिर इस राज्य को राज्य का दर्जा, इस क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिलाने वाले लोगों का नाम भी जानना हो, ठीक है, कब मिला राज्य का दर्जा और किसने दिलवाया इस क्षेत्र को बिहार राज्य का दर्जा, ठीक है, राज्य का दर्जा कैसे मिला। पहले यह क्षेत्र जो था प्राचीन काल में, भले ही यह क्षेत्र अपने आप में महापावरफुल रहा मगध के रूप में, लेकिन मध्य काल में मगध गौन हो चुका था, नष्ट हो चुका था, समाप्त हो चुका था, मध्य काल में बंगाल के में शामिल था यह क्षेत्र, बंगाल में शामिल था, क्योंकि जो शासक थे बंगाल के वो इस पर शासन कर रहे थे मुर्शिदाबाद से, और उससे पहले
वो शासन कर रहे थे ढाका से, ढाका से, मुर्शिदाबाद से। बाद में इससे इससे इस पे शासन करने लगे वो, कहां से, कुछ दिन शासन करने की कोशिश की, पटना से भी कुछ समय के लिए शासन किया, कुछ समय के लिए इन्होंने मुंगेर से शासन करने की कोशिश की। तो इस क्षेत्र पर कहां कहां से शासन होता रहा, ढाका से, मुर्शिदाबाद से, पटना से, मुंगेर से, ये मध्यकाल और आधुनिक काल के राजधानियां रही हैं। मध्यकाल और आधुनिक काल में इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र पर शासन होता रहा है। बाद में अंग्रेज जब आए तो कोलकाता से भी शासन होता रहा इस क्षेत्र में। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में इसकी राजधानी, जब यह क्षेत्र मगध था, जब यह क्षेत्र मगध के रूप में था, तो मगध के टाइम पे इसकी राजधानी राजगीर भी रही है, पटना भी रही है और वैशाली भी रही है। यानी जब कंट्रोल बिहार की जमीन से था, जब यह क्षेत्र मगध था, तब इसकी राजधानी पटना, सबसे पहले तो राजगीर रही, फिर कुछ समय तक पटना रही, पाटलिपुत्र जिसको आप कह रहे हो, और कुछ समय तक ये वैशाली भी रही राजधानी। तो इन इन क्षेत्रों से शासन होता रहा, पटना से, सबसे पहले तो जब मगध पनपा, डेवलप हुआ, हरियक वंश के नाम से जब मगध राइज किया, तो हरियक के पहले भी बृहतरथ वंश था, वो जरासंध का वंश। तो जरासंध के टाइम पे कुछ लोग मानते हैं कि राजगीर से भी शासन किया जरासंध ने, उसकी राजधानी राजगीर थी, ठीक है। तो जरासंध ने भी राजगीर से शासन किया। जरासंध के बाद जो आए, यानी कि वो जरासंध के वंश का शासक था रिपुंजय, नाम सुना होगा, उसी के वंश का अंतिम शासक का नाम था रिपुंजय, जरासंध के वंश का। और जरासंध का वंश का नाम था बृहतरथ वंश, और बृहदरथ वंश के बाद आया हरियक वंश, और हरियक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद आया मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद आया, अरे शिशुनाग के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद आया सुंग वंश, सुंग के बाद आया कन्नो वंश। तो इतने लंबे समय तक जो शासन चला, बृहदरथ वंश, हरियक वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है, और नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कन्नो वंश, इन वंशों ने जब मगध पे शासन किया तो अलग अलग नाम से शासन किया, राजगीर से किया, पटना से किया, वैशाली से किया। अब एक बच्चा लिख रहा है कि बिहार शरीफ में भी राजधानी रही, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप, बिहार शरीफ भी राजधानी रही है, ठीक है। बिहार शरीफ राजधानी कब रही, किनके शासनकाल में बिहार शरीफ को राजधानी बनाया गया, बताएं जरा, आप में से कोई भी बताएं, बिहार शरीफ किसके शासनकाल में राजधानी बनी बिहार की। राजधानियों से एक क्वेश्चन ये बनाता है, तो जब ये बंगाल के रूप में था तब इसकी राजधानी इन क्षेत्रों में रही, जब ये मगध के रूप में था तब इसकी राजधानी इन क्षेत्रों में रही, ठीक है। शेरशाह सूरी ने जब शासन किया था तो उसके शासन का केंद्र, शेरशाह सूरी के शासन का केंद्र सासाराम ही था, ठीक है। तो एक बच्चा शेरशाह सूरी लिख रहे हैं तो उनको सुधार करना चाहिए, उदंतपुरी या बिहार शरीफ से कंट्रोल करने की कोशिश जो थी वो बख्तियार खिलजी की थी, लेकिन बख्तियार खिलजी जो है वो मारा गया तो फिर उसका पूरा सिस्टम तबाह हो गया। मैं बात करूंगा इस पर जब इतिहास में आऊंगा, तब तक मैं इसको और डेवलप करके रखूंगा ताकि आपकी क्वेरीज और मेरे मन की क्वेरीज दोनों थोड़ा क्लियर मेंशन हो जाए। अभी मैं आगे चलता हूं, ठीक है। दर्जा किसने दिलाया बिहार को राज्य का दर्जा, इस नाम से, बिहार नाम से, कैसे, क्या कहानी है बिहार नाम बनने का, इस संदर्भ में आगे आप हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। एक व्यक्ति है जिनका नाम आपको पता होगा, सच्चिदानंद सिन्हा, नाम सुना है आपने। आधुनिक बिहार की कहानी, बिहार नाम से शुरू होने वाली कहानी जो होती है वो सच्चिदानंद सिन्हा के समय से ही होता है। दो मित्र थे, सच्चिदानंद सिन्हा और एक का नाम था महेश नारायण। नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है, एक क्रम से, मेरे अनुसार से। और आधुनिक बिहार बनने की कहानी, आधुनिक बिहार राज्य
बनने की कहानी। देख लेते हैं क्या है कहानी आधुनिक बिहार राज्य के बनने की। दो दोस्त हैं, एक का नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा और इन्हीं के मित्र हैं महेश नारायण। लोग सच्चिदानंद पर खूब फोकस करते हैं क्योंकि वो बहुत ही दबंग और पावरफुल आदमी थे। महेश नारायण को हल्के में ले लेते हैं, होता है छाया पड़ जाता है बड़े लोगों का। सच्चिदानंद सिन्हा एडवोकेट थे और ऐसे वैसे आदमी नहीं थे, इसके लिए संविधान उठाकर बिहार लाया गया। बीमार पड़ गए थे तो इनसे सिग्नेचर करवाना था। ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने आधुनिक बिहार राज्य की कल्पना की, यानी आधुनिक बिहार राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना करना। पहले तो ये बंगाल का हिस्सा था, बंगाल का पार्ट था, तो आधुनिक बिहार राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना इन्होंने की सबसे पहले, इन्हीं दोनों ने। फिर लोग जुड़ते गए, कारवां निकल गया बहुत लंबा चौड़ा, और फिर आंदोलन होने लगा, संगठन बनने लगा। और जब संगठन बनने लगा तो फिर इनके साथ आए एक और दबंग आदमी। ये 65वीं में क्वेश्चन था, 65th बीपीएससी के पीटी में 2019 में ये क्वेश्चन था कि आधुनिक बिहार राज्य की कल्पना करने वाला, दोनों नाम जानना था। 1906, अच्छा ईयर यदि कभी पूछा जाए कि बिहार प्रांत के गठन की का ये जो डिमांड था सबसे पहले कब शुरू हुआ, तो बिहार प्रांत का गठन, बिहार राज्य का गठन कब शुरू हुआ, कब मांग शुरू हुई, 1905 के बाद बिहार प्रांत के गठन की मांग 1905-1906, इन दो इसलिए कह रहा हूं कि अनौपचारिक रूप से गठन की जो बातचीत शुरू हुई 1905 में, और 1906 से संगठनात्मक प्रयास जारी हुआ। 1905 में व्यक्तिगत प्रयास जारी हुआ, 1906 में एक सम्मेलन आयोजित किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो एक और नाम जुड़ जाता है, जैसे सच्चिदानंद सिन्हा जुड़ता है, जैसे महेश नारायण जुड़ता है, वैसे ही एक और नाम जुड़ता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही महानतम व्यक्तित्व थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी ने इन्हीं के घर को आधुनिक भारत का तीर्थस्थल कहा था, इनके गांव को, इनकी जन्मभूमि को गांधी जी ने भी नमन किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1906 में एक सम्मेलन बुलाया था, बिहारी छात्र सम्मेलन, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मोनी कह रही हैं कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तब इस तरह की भावना चरम पे पहुंची कि बिहार को भी एक अलग राज्य का दर्जा मिले। बिल्कुल सही कहा आपने, 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में इनके ही काम को आगे बढ़ाया गया और एक सम्मेलन बुलाया गया, जिस सम्मेलन का नाम था बिहारी छात्र सम्मेलन। आजकल ऐसा कोई करता ही नहीं, लोग छात्रों को चाहिए कि बीच बीच में बिना किसी मांग और बिना किसी आंदोलन के भी कभी कभी एक सम्मेलन का आयोजन करे, बैठक का आयोजन करे, थोड़ा यूनाइट हो। ऐसा होता ही नहीं है, एक बाहर से लंदन से लड़की आती है और मुंह पर लगाती है मास्क और सीधे मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बन जाती है, और इसी मिट्टी में घूमने और बड़ा होने वाला कोई बालक के मन में यह भाव नहीं आता है कि हम भी यूनाइटेड होके स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करके हम भी राजनीति में एक दो कदम बढ़े। पता नहीं क्यों निपटा दिया जाता है या फिर सच तक की तरह कर दिया जाता है, इस डर से लोग रुक जाते हैं। फिर से आ रही हैं वो मोहतरमा पुष्पम प्रिया जी आ रही हैं। अभी रिसेंटली उनका एक न्यूज देखा मैंने, उन्होंने कहा कि मास्क तभी उतारेगी जब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी या फिर ऐसा कुछ। लंदन से साहिब आई और सोचती हैं कि बिहार की राजनीति में दबदबा हो जाएगा। खैर, बिहार राजनीति के मामले में बहुत फर्टाइल है,
बिहार के लोग भले ही सीधे राजनीति में नहीं आते लेकिन हर दिमाग में राजनीति चल रही होती है। तो बिहारी छात्र सम्मेलन 1906 में कहां पर ऑर्गेनाइज्ड किया गया? बिहारी छात्र सम्मेलन, बिहारी छात्र सम्मेलन कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? यह भी क्वेश्चन कई बार बीपीएससी ने पीटी में पूछा है। ठीक है, 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहां किया था? ऑप्शन दूं क्या आपको? भागलपुर, पटना, कहां किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन कहां किया था? निखिल मिश्रा जी का एक कमेंट है, कह रहे हैं कि सर सभी छात्र बदलते हुए एग्जाम के पैटर्न में लगे हुए हैं। जी, हम बिहारी लोग बहुत ज्यादा सिंसियर होते हैं सरकारी जॉब के प्रति, और सरकारी जॉब में ज्यादा एक्टिव होने के कारण ही हमारे पास इतना समय नहीं होता। लेकिन निखिल जी, समय बदलेगा, मैं श्योर हूं आने वाला जो समय है उसमें आपको कुछ पॉलिटिकल चेंज का पैटर्न भी दिखेगा, क्योंकि हर तरह के पॉलिटिकल सिस्टम का ना एक एज होता है, उम्र होती है। जो पॉलिटिकल सिस्टम आप बिहार में देख रहे हैं वो बूढ़ा हो गया सिस्टम, और जल्दी ही कोई नया सिस्टम आएगा। जैसे देखिए, कांग्रेस का जब एज खत्म हो गया, भाजपा दिन ब दिन और यंग होती जा रही है। तो अभी भाजपा अपने यूथ स्टेज में है, अभी तक भाजपा संघर्ष में थी, अब यूथ स्टेज में है, अभी चलेगी भाजपा। ऐसा है कि भले लोग कह दे दाहवश कि इस बार सरकार नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, लेकिन एज जो देखा जाए, पॉलिटिकल एज, यदि आप इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास में अच्छी आपकी समझ है, तो आप देखेंगे कि अभी जो है भाजपा का वो फेज चल रहा है जिसको आप यूथ फेज कह सकते हो। यंग हो रही है भाजपा, दिन ब दिन मजबूत हो रही है भाजपा, तो कैसे ना कैसे जोर तगड़ के सरकार तो फिर वो ही बनाएंगे। लेकिन क्षेत्रीय राजनीति में भी बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। नई पार्टियां भी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई, आम आदमी पार्टी, ये भी वहां अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करेगी, और नई तरीके की राजनीति भी दिनों दिन विकसित होगी, क्योंकि अब ना लड़ने का तरीका बदल गया। एक जमाना था जब तलवार भाला फरसा से लोग लड़ते थे, गदा और तीर धनुष से लड़ते थे, फिर आया राइफल वाइफल आया और बदल दी पूरी सिस्टम को। तो वैसे ही पॉलिटिक्स भी अब सोशल मीडिया आधारित हो गई है, पब्लिक पहले से ज्यादा अवेयर हो गई है, अवेयरनेस बढ़ गया है, सोचने की शक्ति अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो लोग और भी ज्यादा एक्टिविटी बढ़ती गई है लोगों की। अब देख रहे हो, जो एक जमाने में जो बॉलीवुड वाले लोग होते थे भगवान होते थे साहब, हमें याद है कि 90 के टिकट में जो हीरोइनें होती थी या हीरो होते थे वो एकदम ईश्वर तुल्य फीलिंग लेते थे। अभी बड़ी हालत खराब हो गई है। अब ये सोशल मीडिया यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से हर कोई स्टार है, ए ग्रेड हो या बी ग्रेड, स्टार हर गांव गांव घर घर में पैदा ले रहा है। पहले ए ग्रेड की अपनी इंडस्ट्री होती थी, बी ग्रेड की अपनी इंडस्ट्री होती थी, अब ये इंडस्ट्री जो है ना इसका डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है। Everyone is running there all on Bollywood. इसको आप नया नाम दे सकते हैं कि घरेलू हॉलीवुड। हर कोई आजकल प्रोड्यूसर है, हर कोई क्रिएटर है, तो ऐसे समय में पॉलिटिक्स पे भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। देखना बिहार के इस बार का जो इलेक्शन होगा उसमें बड़ा ही आमूल चूल परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि पहले लोग आश्रित थे उनपे, उन हीरो हीरोइन जो चीज वो जो पाउडर लगाते थे और जो साबुन लगाते थे पूरा देश लगाता था, अब हर घर में क्रिएटर है। देखते हैं आने वाले चुनाव में बिहार की राजनीति में क्या नया देखने को मिलता है, बहुत कुछ दिखेगा नया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र सम्मेलन आयोजित किया था, ठीक है। बिहारी छात्र सम्मेलन जो है वो कहां आयोजित हुआ था? एक बच्चा कह रहा है पटना, दूसरा बच्चा कह रहा है भागलपुर, तो मैं आपको डिटेल में बता देना चाहता हूं, याद रखना ये पॉइंट आ सकता है। बिहारी प्रादेशिक सम्मेलन जो हुआ था वो पटना में हुआ था, ठीक है। बिहारी प्रादेशिक सम्मेलन जो हुआ था वो पटना में हुआ था, और 1906 में जो बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था, मैं चेक भी कर लेता हूं ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। बिहारी छात्र सम्मेलन 1906 में जो हुआ था, और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा श्री कृष्ण सिंह भी थे, और बहुत सारे लोग मिलके उसका ऑर्गेनाइजेशन किए थे। और
बिल्कुल सही कहा, लिखा उन्होंने, एक बच्चे ने लिखा था कि जो इसका बिहारी छात्र सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था 1906 में, वो पटना में ही हुआ था। दरअसल बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1906 में और सम्मेलन पटना में ही हुआ था, भागलपुर में नहीं हुआ था। तो जो बच्चा भागलपुर लिखा है करेक्ट कर लीजिएगा, पटना में ही हुआ था 1906 में और पटना कॉलेज में ही हुआ था और राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका नेतृत्व किया था और उस संगठन का नाम रखा था बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ने डिमांड किया था बिहार राज्य के गठन का और बिहार राज्य के गठन के लिए इन्होंने चलाया था आंदोलन और फिर लगातार इसका हर साल सम्मेलन होता रहा 1906 के बाद। और 16वां सम्मेलन हुआ था 1921 में हजारीबाग में और इस सम्मेलन में जो साथ दे रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा एक थे श्री कृष्ण सिन्हा, उनका भी नाम जानना है, श्री कृष्ण सिन्हा। और श्री कृष्ण सिन्हा के अलावा ये सब समकालीन थे और एक और व्यक्ति थे जो बिहार राज्य के गठन के आंदोलन से जुड़े थे, एक और नाम को याद रखना है, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, ये नाम भी आपको याद रखना है। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं बिहार राज्य के गठन में शामिल होने वाले जो दिग्गज नाम थे, जो महानतम हस्तियां थी, सचिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बिहार ये श्री कृष्ण सिन्हा, श्री अनुग्रह नारायण और सिंह। और एक और चीज जानना है कि जो सम्मेलन बुलाया गया था ये पटना कॉलेज में बुलाया गया था और पटना कॉलेज में बुलाया गया था और जो संगठन ये इन्होंने बनाया था उनका नाम था बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस संगठन का नाम था कॉन्फ्रेंस। और इसी संगठन ने, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ने ही लगातार अपना ये जो छात्र सम्मेलन है, बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन पूरे क्षेत्र के अलग अलग शहरों में किया। 16वां सम्मेलन हुआ था हजारीबाग में, इसी का 16वां सम्मेलन हजारीबाग में हुआ था। हजारीबाग भी बहुत बड़ा केंद्र रहा है राजनीति का और स्वतंत्रता संग्राम का। भागलपुर में इसका इस सम्मेलन का जो बिहार छात्र सम्मेलन है भागलपुर में भी हुआ था। तो भागलपुर में इसका जो है सम्मेलन जो है दूसरा सम्मेलन भागलपुर में हुआ था, पहला पटना में हुआ था और दूसरा सम्मेलन इसका भागलपुर में हुआ था, 16वां सम्मेलन हजारीबाग में हुआ था। ये तीन बड़े सक्सेसफुल सम्मेलन हुए थे जिसमें बिहारी छात्रों ने हजारों की संख्या में शामिल होकर के बिहार को एक अलग राज्य बनाने का मांग किया था सरकार से। ठीक है, चलिए अगले मुद्दे पे चलें क्या हम लोग। अगला मुद्दा है हमारा, नाम तो देख लिया कैसे कैसे बिहार राज्य बना और किन लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दो ने आवाज उठाई थी, सचिदानंद सिन्हा वकील साहब, महानतम वकील, और दूसरे महेश नारायण ने। फिर आगे का बीड़ा युवा अधिकारियों ने उठाई, युवा नेताओं ने उठाई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद भी थे, इसके अलावा श्री कृष्ण सिंह थे, इसके अलावा अनुग्रह नारायण सिंह थे और कुछ मुस्लिम लीडर भी थे। एक मुस्लिम लीडर का नाम था नवाब सरफराज हुसैन खां। देखो, नवाब सरफराज हुसैन खां इन लोगों से अलग हटके कांग्रेस के अंडर बिहार का मांग उठाने वाले पहले व्यक्ति थे। सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने, वो तो उनका व्यक्तिगत डिमांड था, उन्होंने अपने स्तर पे मांग रखी थी। राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, इन्होंने स्टूडेंट्स को मोबालाइज करके एक संगठन बना करके इसको इसकी मांग की थी। लेकिन कांग्रेस में सबसे पहले बिहार राज्य के लिए एक सभा का आयोजन पटना में करवाने वाला पर्सन कौन थे? ये थे नवाब सरफराज खां। और कांग्रेस में नवाब सरफराज खां के अलावा, ठीक है, कांग्रेस के अधीन बात कर रहा हूं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी नाम लिख देता हूं ताकि आप नोट्स भी बनाते जाएं।
तो ये जो बिहारी छात्र सम्मेलन था उसमें श्री कृष्ण सिंह, श्री अनुग्रह नारायण और एक और मुस्लिम लीडर का नाम लिख लीजिए, उनका नाम था हुसैन, ये सॉरी मोहम्मद फखरुद्दीन, मोहम्मद फखरुद्दीन, ये भी उसी संगठन के हिस्से के रूप में थे जो संगठन आप ऊपर राजेंद्र प्रसाद वाला देख रहे थे। इसके बाद फिर 1908 में ये एक अलग प्रकल्प बिहार राज्य के मांग का उठता है जब बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनती है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 में होता है, ठीक है, पूरी कहानी सुनेंगे बिहार राज्य कैसे बना इंट्रो में। तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन होता है, स्टेप बाय स्टेप देखना, मैं रिवीजन भी कराऊंगा, 1908 में होता है। किसके नेतृत्व में? तो इनका नवाब से नाम शुरू होता है, नवाब सरफराज खान। ये एक अलग लेवल का वर्क शुरू हो जाता है जब बिहार के नाम से बिहार कांग्रेस कमेटी बन जाती है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन होता है और उस कमेटी में ये अध्यक्ष चुने जाते हैं नवाब सरफराज हुसैन खां, पूरा नाम होता है, ठीक है, नवाब सरफराज हुसैन खां, पूरा ही नाम लिखना सही रहेगा। कांग्रेस प्रादेशिक कमेटी जो है, कांग्रेस प्रादेशिक कमेटी जब गठित हो जाती है तो उस कमेटी के द्वारा ही, ठीक है, इसी कमेटी ने, देखो सबका नाम महत्वपूर्ण है, हर वो व्यक्ति जिसने बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब इंपॉर्टेंट है। इसी कांग्रेस कमेटी ने जो 1908 में कांग्रेस कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष बने नवाब सरफराज हुसैन खां, ठीक है, 1908 में, उसके बाद इसी कमेटी को आगे चलकर जब डेवलप किया गया तो हसन इमाम, ठीक है, हसन इमाम को जब सभा, एक बार जब बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हो रहा था तो गठन के लिए जो सभा बनी थी, क्लियर करना जरूरी होता है, उसके अध्यक्ष थे नवाब सरफराज हुसैन खां, और नवाब साहब ने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष किसको चुना? तो नया अध्यक्ष चुना गया हसन इमाम, नाम सुना होगा आप, यानी पहले एक सभा हुई 1908 में, सभा ने अध्यक्ष चुना नवाब सरफराज हुसैन खां को, फिर कमेटी बन गई, तो कमेटी के नए अध्यक्ष जो अगले साल चुने गए यानी 1909 का, तो 1909 में बन गए इसके अध्यक्ष हसन इमाम, और सारे नाम को एक साथ हम रिवाइज करेंगे अभी आपस में, हसन इमाम आपसे पूछेंगे भी, हम अपना नोट्स रेडी रखना बनाने के। इसी हसन इमाम जी ने, ठीक है, हसन इमाम के नेतृत्व में, हसन इमाम के नेतृत्व में, और याद रहे इनको राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, बाकी सबका सहयोग था, उन सब की सहमति से ये अध्यक्ष बने थे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अलग ऑर्गेनाइजेशन था वो अलग ऑर्गेनाइजेशन था, उन लोगों ने शुरुआत की और उसको मदद मिला कांग्रेस से, और कांग्रेस ने बिहार की कमेटी बना दी और कमेटी के हेड बने, अध्यक्ष बने हसन इमाम, और हसन इमाम ने अपना एक मांग पत्र रखा दिल्ली दरबार का, जो दिल्ली में दरबार लगा था 12 दिसंबर 1911 दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है
एक पार्क बना है अभी रिसेंटली जिसका नाम है कोरोनेशन पार्क। इसी पार्क में रोज अपन जाया करते थे, अभी जा नहीं रहे। कोरोनेशन का हिंदी मीनिंग होता है राज तिलक। यहां पे एक आदमी का राज तिलक हुआ था, ठीक है, उसकी मूर्ति लगी है देशभक्त, नए देशभक्तों ने, जो नए क्रांतिकारी हैं, जिनको कहीं काकोरी कांड करने का मौका नहीं मिल पाया, ना ही कोई लाहौर षड्यंत्र का मौका मिला, तो इन लोगों ने क्या किया है, वहां पे जो जिसकी राज तिलक हुई है उसकी मूर्ति का नाक तोड़ दिया है। पता नहीं अपना गुस्सा निकाल रहे हैं ये क्रांतिकारी लोग, जो आधुनिक क्रांतिकारी पार्क में आते हैं। मैं नहीं हूं उसमें, मैं तो गांधीवादी हूं, तो मैंने कभी जॉर्ज पंचम का अपमान नहीं किया, रोज उसके पास बैठ लेता हूं 2-3 मिनट, लेकिन कभी भी उसका अनादर नहीं कर पाए हम गांधी जी के अनुसार। तो कोरोनेशन पार्क जो यही है पास में, जहां से मैं पढ़ा रहा हूं, यहां से बस 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जॉर्ज पंचम का कोरोनेशन हुआ था उस पार्क में, 12 दिसंबर 1911 को इस जंगली क्षेत्र में जॉर्ज पंचम का राज तिलक हुआ था। सॉरी, तो उस राज तिलक में सब लोग, जब राजा आते हैं ना तो हर कोई आता है उनको रिक्वेस्ट अपना देने के लिए। अभी मोदी जी यदि आपके राज्य में पहुंचेंगे तो वहां के जो भी लोग सक्रिय हैं, जिनको जिनको लगेगा कि इस क्षेत्र में कुछ समस्याएं हैं, तो सब अपनी अपनी समस्या लेके चले जाएंगे, अपनी अपनी समस्या बताएंगे, ठीक है, हर कोई अपनी समस्या से रूबरू कराएगा। तो जब कोरोनेशन पार्क में जॉर्ज पंचम आए थे तो यही हसन इमाम साहब के नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में और कांग्रेस के अन्य बड़े नेता, इसमें सब लोग शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद जी भी थे और अनुग्रह नारायण सिंह भी थे और नवाब सरफराज खान भी थे, नवाब सरफराज हुसैन खान भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह जी भी थे, सब लोग आए थे, अकेले एक नहीं कि एक ही आदमी उठ के आ गए, नारायण सिंह भी थे और साथ में श्री कृष्ण सिंह भी थे। इन सबों ने सम्मिलित रूप से एक पिटीशन दिया था, सौंपा था कि जॉर्ज पंचम तक ये प्रार्थना पत्र पहुंच जाए, और पहुंच गया था प्रार्थना पत्र। शाही दरबार लगा था 12 दिसंबर 1911 को, और 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम को एक पिटीशन इसी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पहुंचा दिया गया था, और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने अपने राज तिलक की खुशी में इसका ऐलान कर दिया था 12 दिसंबर 1911 को इसी कोरोनेशन पार्क में बने स्टेज से मिस्टर जॉर्ज पंचम ने ये ऐलान कर दिया था, घोषणा किया, घोषणा का क्रियान्वयन में वक्त लगता है, घोषणा कर दिया जॉर्ज पंचम ने, ठीक है, कि बंगाल से अलग किया जाए। ऐसे भी 1905 के बाद से ही बंगाल से कई चीजें कट कट के अलग हो रही थी, पूर्वी बंगाल अलग हो गया, पश्चिम बंगाल अलग हो गया, तो जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र था, बंगाल का जो पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा था, बंगाल से उड़ीसा सहित बिहार को अलग करने की घोषणा की। यानी बिहार को बंगाल से अलग किया गया, बिहार उड़ीसा सहित बिहार को अलग करने की घोषणा की। तो जॉर्ज पंचम को यह सपना नहीं आया था, बल्कि इन सबों के मेहनत का नतीजा था। ये सारे नाम याद रखने चाहिए, इस पर क्वेश्चन बनाती है बीपीएससी, और इसकी शुरुआत आपको यहां से करनी है। हर व्यक्ति का नाम एक क्रम से लिख दो, एक लाइन से आपको हर एक व्यक्ति का नाम लिख देना है कि कौन कौन इसमें शामिल थे। सचिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिन्हा, सिंह भी बोलते हैं श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह है या सिन्हा है, थोड़ा इसको भी चेक कर लेना, कहीं कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी छोटे मासूमों को। चलो आगे चलते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह ही है, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो बिहार शब्द जो आया वहां से लेकर के यहां तक की कहानी में
अलग प्रांत बनने में जो स्टोरी है वो याद रखना। 12 दिसंबर 1911 को घोषणा की थी किसने? जॉर्ज पंचम ने। और जॉर्ज पंचम के घोषणा करने के बाद उस समय गवर्नर जनरल कौन थे यह जानना जरूरी है। 1911 है तो वायसराय कौन थे उस समय? वायसराय कौन थे यह जानना जरूरी है। कौन थे वायसराय? बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा की गई। जिस समय घोषणा की गई उस समय लॉर्ड हार्डिंग, बिल्कुल सही, संस्कृति सिंसियरली रेगुलर रहती है, थैंक यू सो मच। जितने लोग रेगुलर हो और जो बच्चा पूछ रहे हो ना कि रेगुलर क्लास होती है, तो बेटा रेगुलर ही क्लास होगी। ये बिहार स्पेशल 10 दिन में खत्म करने का वीरा लिया है मैंने, लेकिन 10 से 12 दिन हो सकते, 1-2 दिन एक्स्ट्रा हो सकता है, तो आप कोशिश रहेगी मेरी। मनीष कुमार ने तो मुझे 25 दिन का समय दिया, बट हम कोशिश करेंगे कि 10 से 15 दिन के अंदर फिनिश कर दें। तो लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे और उन्हीं के रीजन में ये घोषणा हुई। और घोषणा होने के बाद जॉर्ज पंचम तो लौट गए अपने देश को। और 1 अप्रैल 1912 को, याद रखना 1 अप्रैल की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, घोषणा हो जाने के बाद काम शुरू होता है ना, तो बिहार राज्य की विधिवत स्थापना, बिहार राज्य की विधिवत, पेपर पर जो काम होता है विधिवत स्थापना, ये तो मौखिक था, बोल के चले गए, पेपर वर्क होना और बाकी सारे सिस्टम को डेवलप करना लॉर्ड हार्डिंग का काम था। तो विधिवत स्थापना 1 अप्रैल को हुआ। कब? दिसंबर के 12 तारीख को वो बोल के गए, सारा सिस्टम सेट होते होते ये क्या हो गया, 1912 हो गया और 1 अप्रैल की तारीख हो गई। ऐसे तो 1 अप्रैल मूर्ख दिवस होता है, लेकिन मूर्ख दिवस में मूर्ख नहीं बनाया गया हम लोगों को, ऐसा नहीं है, ये एक महत संयोग था। मूर्ख दिवस का फैशन बाद में आया होगा। 1 अप्रैल 1912 को विधिवत स्थापना हुई बिहार राज्य की, और उसमें ठीक है उड़ीसा शामिल था, यह भी याद रखना जरूरी है कि उसमें उड़ीसा शामिल था। बिहार राज्य की विधिवत स्थापना हुई 1 अप्रैल 1912 को और उसमें उड़ीसा शामिल था। और घोषणा हुई थी वो जब दिसंबर में जॉर्ज पंचम का राज तिलक हुआ था, 12 दिसंबर 1911 को। हर तारीख इंपॉर्टेंट है, किसी भी तारीख पर क्वेश्चन बनाने के लिए बीपीएससी आजाद है। 12 दिसंबर 1911 की वो तारीख भी इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1912 की तारीख भी इंपॉर्टेंट है। दोनों में फर्क ये है कि ये विधिवत औपचारिक स्थापना थी जिसमें कि सारा लिखा पढ़ी कागज वागज सब हुआ, और ये एक मौखिक घोषणा थी। दोनों में फर्क है, ये मौखिक घोषणा थी और मौखिक को लिखित रूप में दिया गया, ये लिखित विधिवत स्थापना थी। एक तारीख और इंपॉर्टेंट है जिसको हम बिहार राज्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। बिहार दिवस वाला कॉन्सेप्ट पे आने के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। फिर बिहार दिवस हम कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं ना, 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो फिर ये 22 मार्च का क्या तिलस्म है? जब 1 अप्रैल को 1912 को स्थापना हो गई तो हम स्थापना दिवस बिहार दिवस कहिए या स्थापना दिवस, 22 मार्च को क्यों मनाते हैं? ये क्वेश्चन कभी कभी किसी किसी मासूम बच्चे के मन में आता है, तो हम चाहते हैं कि किसी भी मासूम के दिल में ऐसा कोई ख्यालात ना आए, वो क्लियर करूं मैं। तो आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ जल्दी से, आपको क्या लगता है कि जब 1 अप्रैल को विधिवत स्थापना हुई थी तो उसमें उड़ीसा शामिल था, राइट?
उसमें कौन शामिल था? उड़ीसा शामिल था। लेकिन 22 मार्च की तारीख को ऐसा क्या हुआ था कि हम बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को? दिव्या बहन लिख रही है 22 मार्च 1912, क्या हुआ था 22 मार्च 1912 को? मैं सबसे जानना चाहता हूं, ये 1912 लिख रही है, 1 अप्रैल को विधिवत स्थापना हुई थी, तो 22 मार्च को आप क्यों मनाते हो राज्य का स्थापना दिवस? सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ, सबसे सुनना चाहता हूं मैं। जब मूर्ख दिवस के दिन सिस्टम सेट हुआ था अपना, विधिवत स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को, तो फिर 22 मार्च को स्थापना दिवस क्यों मनाते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना। और जो बच्चा 1936 एक तारीख लिख रहा है, वो भी मैं बता देना चाहता हूं कि 1936 भी एक इंपॉर्टेंट तारीख है, 1936 भी बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, और साथ ही साथ 15 नवंबर 2000 भी इंपॉर्टेंट तारीख है। तो 1936 का जो तारीख था वो 22 मार्च की तारीख थी, ठीक है? 1936 वाली जो तारीख थी वो 22 मार्च की तारीख थी। अच्छा कोई बात नहीं, हम इस पे और भी डिटेल में बात करते हैं। एक बहन लिख रही है बहुत डिटेल में कि 1 अप्रैल को विधिवत स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि 22 मार्च 1912 को विधिवत स्थापना हुई, तभी 1 अप्रैल को उड़ीसा शहीद, नहीं वो तारीख सही है 1 अप्रैल, ठीक है, वो तारीख थोड़ा कंफ्यूजन है। मिस दिव्या वर्मा बहन जो लिख रही हैं वो, उसको थोड़ा और आप करेक्शन कर लें तो ज्यादा बेहतर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, थोड़ा सा एक बार चेक आप फिर से कर लीजिएगा। मैं इसके, मेरे पास है इसके बारे में डिटेल पूरा। 22 मार्च 1936 की जो तारीख है वो बहुत महत्वपूर्ण तारीख है बिहार के लिए, सिंपल तारीख नहीं है। और 22 मार्च, कई कई किताबों में ना, किताबों के कारण ही कंफ्यूजन है, मैं सही कर देता हूं इसको पूरी तरह चेक करके। एक किताब में लिखता है कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ था, ठीक है, ये करेक्शन जरूरी है भाई, इसको थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था, इस पे हम आ रहे हैं तुरंत प्रामाणिक जानकारी के साथ। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, वो बच्ची जब लिखी ना उड़ीसा कब मनाता है, तब मुझे समझ में आया कि मुझे इसको करेक्ट करना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा इसलिए अपना 1 अप्रैल को मनाता है स्थापना दिवस क्योंकि 1 अप्रैल को ही उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था, तारीख नोट करने लायक है, झारखंड अलग हुआ था। और 22 मार्च को क्या हुआ था यह जानना जरूरी है, ठीक है। 1 अप्रैल को विधिवत स्थापना हुई थी, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां कंफ्यूजन होता है बच्चों को। 22 मार्च की तारीख पहले आती है, अप्रैल की तारीख बाद में आती है, ऐसा ये जो क्वेश्चन है, बिहार अपना जो राज्य दिवस घोषित किया है 22 मार्च को, उसके पीछे का जो हिस्ट्री है, एक तरीके का डिस्कशन है, वो यही डिस्कशन है। कई बार इससे क्वेश्चन आया है पीटी में, इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूं। 22 मार्च को ही लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बिहार और उड़ीसा को अलग राज्य घोषित कर दिया गया था, सिर्फ उसका जो इनॉग्रेशन था वो 1 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। तो पेपर वर्क के अकॉर्डिंग 22 मार्च 1912 को गठन हो गया था
बिहार प्रांत का, और जो बाकी उसका सिस्टम जो वर्क करता है उद्घाटन, वो 1 अप्रैल को हुआ था। क्योंकि जब कोई प्रांत बनता है तो उसके लिए भवन, उसका सारा कुछ सिस्टम सेट करना होता है, भवन बनाना होता है और बाकी उसका उद्घाटन करना होता है, सब कुछ करना होता है। तो बिहार दिवस मनाने के पीछे का जो लॉजिक है वो यहीं पर है। 22 मार्च 1912 की तारीख को ही याद रखना है आपको, 22 मार्च 1912 को स्थापित घोषित हो गया था ये, ठीक है। बिहार दिवस उसी संदर्भ में मनाते हैं। आप बिहार दिवस पर सर्च करोगे, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने सर्च भी किया गूगल पे कि बिहार दिवस के पीछे का क्या लॉजिक है। किताबें कभी कभी कंफ्यूज करती हैं, तो किताबों से हम संतुष्ट नहीं होते जब तक 2-3 जगह क्रॉस चेक नहीं करते। तो जो किताबें बता रही हैं उसके अलावा बिहार सरकार ने अपनी साइट जो है बिहार सरकार की, उस पर भी डिटेल दे रखा है इस दिवस के बारे में, बिहार दिवस के बारे में। आप चाहेंगे तो बिहार सरकार की जो खुद की अपनी सरकारी साइट है उस पर बिहार दिवस के बारे में जब सर्च करेंगे, ठीक है, तो उसको आपको डिटेल में बिहार सरकार बता देगी कि दरअसल 22 मार्च 1912 को ही, 22 मार्च 1912 को ही सबसे बिहार को एक चूंकि राज्य के रूप में गठित घोषित कर दिया गया था। 1 अप्रैल को विधिवत उद्घाटन हुआ था, लेकिन 22 मार्च 1912 को गठित घोषित किया गया था। तो बिहार सरकार ने जान करके 1 अप्रैल को ना चुन करके 22 मार्च को चुना, इसके पीछे का लॉजिक है कि 1 अप्रैल ऑलरेडी उड़ीसा अपना स्थापना दिवस मनाता है, ठीक है। तो बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत से बिहार और उड़ीसा डिवीजन को अलग करके एक राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया था, इसलिए इसको मनाया जाता है। अब सवाल उठता है कि पहली बार बिहार दिवस कब मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार दिवस पहली बार कब मनाया गया था, जल्दी बताएं। बिहार दिवस पहली बार कब मनाया गया था, किसी को पता है? एक बच्चा 2011। बिहार दिवस पहली बार 2010 को मनाया गया था, ठीक है। 2010 से हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, और इसका चयन, इसको मनाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। तो 2010 से बिहार दिवस मनाया जा रहा है, ज्यादा पुराना नहीं है बिहार दिवस मनाने का कॉन्सेप्ट। 2010 से हर साल बिहार दिवस मनाया जा रहा है, बाईस मार्च को। इस ऐतिहासिक तिथि को बिहार दिवस मनाने के रूप में किसने चुना, तो अपने सुशासन बाबू ने, ठीक है। सुशासन बाबू ने ही चुना, सीएम नीतीश कुमार जी ने इसको शुरू किया मनाना 2010 से, और 22 मार्च को ही इसलिए चुना क्योंकि इसके पीछे का इतिहास यही है। 22 मार्च 1912 को ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के रूप में पेपर पर इनको जगह मिला, पेपर वर्क फाइनली 22 मार्च को मिला, और उद्घाटन 1 अप्रैल को हुआ था, विधिवत उद्घाटन पूजा पाठ के साथ, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये दिवस, क्यों 2023 में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 12-10 मतलब 12 में 100 साल जोड़ेंगे तो 2022 पूरेगा लगभग, नहीं 111 साल जोड़ेंगे, सॉरी 100 साल जोड़ेंगे तो 2012 में ही हो जाता। तो 2023 को, 22 मार्च 2023 को बिहार की के गठन का कितना साल पूरा होगा,
बिहार के गठन का 111 वर्ष पूरे हुए। देखो भाई देख लेते हैं, 22 मार्च 2012 2012 ही है ना अभी, यानी कि 11 इधर और 100 साल पूरे, यानी 111 साल पूरे हो गए 2023 में। तो इसलिए भी ये क्वेश्चन आने का चांस रखता है यहां से, 111 साल पूरे हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए इस पे हमने ज्यादा समय लिया। अब है कि जब झारखंड बन गया 2023 को, ये क्वेश्चन ये आ सकता है, 111 वर्ष पूरा हुआ 22 मार्च 2023 को, और 22 मार्च का तारीख जो है 1912 से जोड़ा जाएगा, तो पेपर पे गठन यानी कागजी गठन की घोषणा इसी तारीख को हुई थी और विधिवत उद्घाटन 1 अप्रैल को हुआ था। चलिए अब आगे चलते हैं, ये टॉपिक काफी खींच लिया मैंने। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है कि इस बार के बिहार दिवस का थीम क्या है। ठीक है, देखिए इस बार जो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया गया अभी हाल में, मैं हूं बिहार, न्यूज़पेपर में तो कई सारी बातें दी गई थी, थीम क्या था यह जानना जरूरी है। 111 साल का बिहार हुआ है इस साल और 22 मार्च को हुआ है, तो 2023 के पीटी में इससे क्वेश्चन ना हो, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं हो है कि क्वेश्चन नहीं होगा, होना ही होना है, क्वेश्चन घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से पूछेगा। अब तक में बिहार का कितनी बार विभाजन हुआ, अब तक का बिहार का कितनी, अब तक बिहार का कितनी बार विभाजन हुआ, बिहार को कितनी बार विभाजन का दंश झेलना पड़ा, न्यूज़पेपर में इस तरह का क्वेश्चन उठाया था, इस तरह के कमेंट न्यूज़पेपर में आए थे कि अब तक बिहार कितनी बार विभाजन का दंश झेला है। कमेंट सेक्शन में देख लूं जरा कितनी बार विभाजन, 2 बार लिख रहे हैं ना, देखो ऑप्शन में 2 भी दे सकता है 3 भी दे सकता है, आंसर होगा 3 बार, 3 बार। एक बार बंगाल से अलग हुआ वो भी विभाजन था, उड़ीसा अलग हुआ वो भी विभाजन था, झारखंड अलग हुआ वो भी विभाजन ही था। ठीक है, बंगाल अलग हुआ, दूसरी बार उड़ीसा अलग हुआ, तीसरी बार झारखंड अलग हुआ। ठीक है, 1912 बंगाल अलग हुआ, 1936 उड़ीसा अलग हुआ, 2000 झारखंड अलग हुआ। ये 1 अप्रैल का तारीख था, ये 15 नवंबर की तारीख थी, 15 नवंबर थी, और ये जो था ये 22 मार्च की तारीख थी, अलग होने की तारीख 22 मार्च थी, पेपर पे साइन 22 मार्च को हुआ, 1 अप्रैल को उड़ीसा अलग हुआ, 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ, किताबों में इतना डिफाइन करके कहीं लिखा नहीं है साहब, कमाल है साहब, तुम हमसे कटो या हम तुमसे कटें, कटे तो थे ना, 3 बार कटा था, बंगाल क्यों अलग होता, बंगाल भी बिहार में होता तो क्या दिक्कत था, बिहार नाम कर देता। देखो इस तरह से देखना पड़ेगा, विभाजन का दंश तो 3 बार झेला ना, बटा तो 3 बार, कटा तो 3 बार, ठीक है, तो वैसे आप ना सोच करके ऐसे सोचना जरा, बिहार ने अब तक विभाजन का दंश 3 बार झेला, पहली बार जब खुद ये कटा बंगाल से, दूसरी बार
जब झारखंड कटा तीसरी बार, दूसरी बार उड़ीसा कटा तीसरी बार, देखो कब कब इससे कौन अलग हुआ, अलग हुआ यानी इसका ब्रेकअप हुआ, तो तीन बार बेचारे का ब्रेकअप हो चुका है, बंगाल से ब्रेकअप, उड़ीसा से ब्रेकअप और झारखंड से ब्रेकअप, ठीक है, तो तीन बार बटा है, याद रखना। जान बूझ के इस चीज पे जिक्र कर रहा हूं, समझदारी आपको बनानी पड़ेगी। पहला विभाजन 1912 में हुआ, दूसरा विभाजन 1936 में हुआ, तीसरा विभाजन 2000 में हुआ। हाँ, गठन के बाद जब बिहार राज्य गठित हो गया तो गठन के बाद दो बार विभाजन हुआ, ठीक है। 22 मार्च को ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के रूप में मान्यता मिली, इसलिए 22 मार्च को मनाते हैं हम बिहार दिवस। और बिहार दिवस का एक बच्चा थीम पूछ रहा है कि क्या थीम था। थीम तो खैर सरकारी चैनल पे ही मिलेगा आपको, जो सरकार का जो अपना पैनल है इसका, सरकार का अपना, गवर्नमेंट की अपनी जो साइट है वहां पे हो सकता है थीम बताए। हालांकि थीम अभी तक मुझे क्लियर नहीं है तो मैंने इसलिए थीम पे बात नहीं की, बट आप जरूर इसको एक बार हम देख लेते हैं थीम क्या था, थीम जरूरी है जानना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, चांदनी बहुत ही पुरानी बच्ची है मेरी, हमारे साथ जुड़ी हुई, वो लिखती हैं युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये थीम था। और कुंदन पूछ रहे हैं कि दो बार बटा या तीन बार बटा, प्रश्न देखना, ध्यान से प्रश्न को देखना है, प्रश्न को समझना है, वो प्रश्न खुद कहेगा कि हम तुमसे दो बार पूछ रहे हैं या तीन बार पूछ रहे हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रश्न ऐसे ही समझो कि प्रश्न में खुद लिखा होगा, क्या राज्य के रूप में स्थापित होने के बाद बिहार कितनी बार बटा, यदि ऐसा पूछता है तो दो बार बटा। यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 1900 से लेकर अब तक या 1912 से लेकर अब तक बिहार ने विभाजन की कितनी बार दंश झेली है, तीन बार विभाजन का दंश झेला है, तीन बार विभाजित हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से देखना और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तय करना, ठीक है। अब तक बिहार का कितनी बार विभाजन हुआ, तो 1912 से 2023 के बीच में यदि देखा जाए तो तीन बार, गठन के बाद यदि देखा जाए तो दो बार। इसमें कोई क्वांटम फिजिक्स स्टोरी लगा है, सब कुछ आंख के आगे ही क्लियर है, जैसा देश वैसा बेस, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा लिखेंगे। जानकारी रखनी जरूरी है ना कि इस एंगल से भी सोचना जायज है, फंसाने वाले से ज्यादा तेज बनना पड़ेगा, चोर की तरह पुलिस से ज्यादा तेज बनना जरूरी होता है, चोर एक कदम आगे सोच के रखता है। चलो अब आते हैं कि बिहार को हम गठित कर दिए, बिहार का विभाजन भी करके हर तरीके से सब कुछ सेट कर दिए, 15 नवंबर तक आ गए। 64वीं में पूछा था स्थापना दिवस बिहार दिवस, तो 22 मार्च 1912। 64वीं में पूछा था बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश कब बना, 1912, 22 मार्च 1912। 64वीं में पूछा एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन कब हुआ, यहां पे फंस जाओगे, इसमें मैं फंसने नहीं दूंगा, क्या एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन कब हुआ, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन कब हुआ, क्वेश्चन देख रहे हो घुमा घुमा के पूछता है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन कब हुआ, बिहार का गठन कब हुआ, यह प्रश्न कई बच्चों को कंफ्यूज करेगा। और मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूं, आंसर देख रहा हूं, 1950 लिख रहा है एक बच्चा, 1947 लिख रहा है, ऑप्शन में नहीं था ये, इसका आंसर 64वीं बीपीएससी का है और इसका आंसर 1936 है। भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन 1936 में हुआ, जब उड़ीसा इससे अलग हो गया। तो फिर 1912 में क्या हुआ था, 1912 में ब्रिटिश साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में गठित हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य का जो भारतीय साम्राज्य था उस रूप में गठित हुआ था। स्टेट का दर्जा इनको मिला कब, पहले वो प्रांत था, ब्रिटिश प्रांत, 1936 में कानूनन
1935 का अधिनियम जानते हो, 1935 का अधिनियम, 1935 के अधिनियम के बाद अधिनियमित राज्य के रूप में स्थापित हुआ 1936 में, कहीं गड़बड़ मत करना, ठीक है। 1935 के अधिनियम का बहुत बड़ा रोल है, इसको एकदम स्टार बना लो। इस पे पीटी में दो बार इस पे क्वेश्चन आया और बहुत सारे खलीबली ने गलती की, क्योंकि ऑप्शन में 1950 और 1947 भी दे देगा फंसाने के लिए। क्वेश्चन यदि ऐसा दे दे कि किस अधिनियम के तहत बिहार राज्य का गठन हुआ, ऐसा क्वेश्चन यदि दे दिया कि किस अधिनियम के तहत बिहार राज्य का गठन हुआ, तो याद रखना क्वेश्चन कुछ ऐसा दे सकता है कि किस अधिनियम के तहत बिहार राज्य का गठन हुआ, संवैधानिक रूप से दर्जा मिला राज्य का। तो बिहार राज्य का गठन या बिहार को एक संवैधानिक दर्जा जो मिला, कब मिला बिहार को एक राज्य के रूप में संवैधानिक दर्जा, कब मिला बिहार को एक राज्य के रूप में संवैधानिक दर्जा, किस अधिनियम के तहत मिला एक बिहार को एक राज्य के रूप में संवैधानिक दर्जा, किस अधिनियम से मिला? 1935 के भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, 1935 के भारत सरकार अधिनियम। भाई मेरे, ये क्वेश्चन पूछ चुकी है बीपीएससी, ध्यान देना, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुकी है 63वीं में क्वेश्चन पूछ चुकी है ये बीपीएससी, भारत सरकार अधिनियम। तो यदि ये जो अधिनियम है, इसी अधिनियम के तहत बिहार को एक राज्य का दर्जा 1936 में मिला, इस अधिनियम के आधार पर बिहार को राज्य का संवैधानिक दर्जा 1936 में मिला। तो हम पढ़ते हैं लेकिन चीजों को ऊपर ऊपर पढ़ जाते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते तो प्रॉब्लम आती है, और ध्यान से पढ़ने के लिए जरूरी है कि चीजों को इस तरीके से आप देखो समझो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। 10 से 12 दिन रेगुलरली क्लास इसी टाइम पे होगा, 7-7:30 बजे से लेके 8 के बीच स्टार्ट होगा चैनल पे। कहीं कोई नोटिफिकेशन मैं शेयर नहीं करूंगा, आपको इस चैनल पे आके इस टाइम पे चेक करना है क्लासेस हो रही होगी। यदि आप बाद में देखते हैं तो बाद में भी देख सकते हैं, लाइव का अपना मजा है, और लाइव में मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, कोई प्रचार वरचार ना आवे, एडवाइड का ज्यादा लालच नहीं है मुझे, तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, चंदन शाह कह रहे हैं बीसीसीआई से अभी दर्जा नहीं मिला। मैं देखो बीसीसीआई का मुझे लेना देना नहीं है, ठीक है, मैं सिस्टमैटिक केल वेल वाला सिस्टम नहीं पता मुझे। यहां से क्वेश्चन बन सकता है सर, आप सब ध्यान रखिएगा, और उसके बाद फिर 1935 के बाद एक क्वेश्चन ये भी बार बार आता है कि बिहार का जो हाईकोर्ट है। चांदनी पूछ रही है कि यदि 70वां बीपीएससी में टारगेट करती हूं तो करंट अफेयर्स कब से पढ़ना चाहिए? 1 ईयर, ये वाली पीटी जिस तारीख को खत्म होगी बहन, उसके दूसरे दिन से शुरू कर देना। 30 सितंबर को ये पीटी खत्म होगी, तुम सितंबर से ही शुरू कर देना पढ़ना। ऐसे तो देखो हर करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, इस साल का भी पढ़ लो तो तुम्हारा निबंध जो है वो बेहतर हो पाएगा, मेंस का आंसर राइटिंग अच्छा हो पाएगा। फिर भी यदि आप ये चाहते हो कि केवल करंट को ही पढ़े, तो आप 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सही जगह हो आप। काफी लंबे समय से ये चैनल सिर्फ बीपीएससी करता है, नथिंग एल्स। हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं बीपीएससी ही कराता हूँ, हालांकि अगले मंडे से मैं यूपीएससी का एक अलग चैनल बनाया हूँ, 600 लोग सब्सक्राइब किए हैं उस पे, इसी चैनल के साथ लिंक्ड है, एक भी वीडियो नहीं डाला। तो आज अचानक चेक कर रहा था, मैंने देखा 600 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो अब मन में मेरे भाव आया कि इन 600 को नाराज नहीं करेंगे, इनको निराश भी नहीं करना है, तो मैं मंडे से यूपीएससी स्पेशल चैनल जो इसी चैनल के साथ अटैच है, यूपीएससी स्टार्ट करूंगा उस पर, कोई ऐप पे नहीं, निःशुल्क क्लासेस, रेगुलर क्लासेस,
और इसी चैनल से अटैच है यूपीएससी स्पेशल। आप में से जो भी लोग, मैं एक्चुअल में यूपीएससी की फैकल्टी हूँ भाई भाई मेरे, मैं यहाँ संकल्प आईएएस में और अदर बहुत सारे कोचिंग है, कितनों का नाम गिनाऊं, जिसमें सब में यूपीएससी ही पढ़ाया हूँ। बीपीएससी सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पे और अपने ऐप पे ही पढ़ाता हूँ और कहीं नहीं। हालांकि ऑफर कई जगहों से मिला बीपीएससी का, बट मैं थोड़ा इस मामले में स्वतंत्र ख्याल का हूँ, स्वच्छंद, अपने बंधन में रहना पसंद करता हूँ, ज्यादा दबाव मुझे पसंद नहीं है, इसलिए स्वतंत्र इंसान इसी चैनल पे आपको मैं मिलता रहूंगा। आ जाओ मुद्दे पे। एक क्वेश्चन और पूछती है बीपीएससी अपने पटना उच्च न्यायालय के बारे में, तीन चार बार पूछा है पटना उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ, तो यहीं पे मैं बता देना चाहूंगा, पटना उच्च न्यायालय का गठन हुआ, स्थापना बोलो, गठन क्या बोलना, स्थापना कब हुआ, स्थापना कमेंट सेक्शन में बताना, 1916, 3 फरवरी 1916, सही कहा आपने। 39वीं बीपीएससी से अब तक कई बार पूछ चुका है बीपीएससी क्वेश्चन, रिपीट इसको किया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला क्वेश्चन है, जो स्थापना दिवस से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे उसको मैंने आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस किया। ये इंट्रो सेशन था, कल मैं आप सबों का इंतजार करूंगा, 8 बजे तक आप जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे इस क्लास में, अपना अटेंडेंस बनाएंगे। आज की क्लास तो इतनी है ब्रदर, अभी मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा, अपडेट करूंगा ऐप पे, कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके डालने हैं जो मैंने फाउंडेशन बैच शुरू किया। और एक बच्चा बार बार कह रहा है कि जो 69 बीपीएससी के लिए कि उनका अनाउंसमेंट तो ऐप पे अभी कुछ देर बाद 69 बीपीएससी का जो क्रैश कोर्स है वो भी अवेलेबल होगा। ऐप पे आना आपकी स्वेच्छा है, वहां पे जो चार्जेस हैं यदि आप सक्षम है तो उसको जुड़े। मैं ये भी कहने से बिल्कुल नहीं कतराऊंगा कि ऐप पे सिर्फ एक फैसिलिटी एक्स्ट्रा है, आपको जो पीडीएफ है और बाकी इन्फॉर्मेशन है वहां अवेलेबल होंगे, पीडीएफ वाला सिस्टम लिख लिख के देने वाला। और सारी क्लासेस, जैसे अभी मैंने हिस्ट्री सीरीज खत्म की है, इसके अलावा मैं करंट अफेयर्स का सीरीज चला रहा हूँ जिसमें कल से अपलोड होना शुरू हो जाएगा, और साथ में अभी मैंने बिहार स्पेशल सीरीज आपको आज से स्टार्ट किया, रात के 8 बजे से लेके 10 बजे तक आपका क्लास बिहार स्पेशल सीरीज चलेगा लाइव। इसमें भी कुछ क्लासेस जो प्रीमियर होता है रिकॉर्डेड भी आएंगी ताकि जल्दी खत्म हो जाए। एक चीज और कंप्लीट कराऊंगा मैं आपको, ज्योग्राफी, जो पूरा इंडियन ज्योग्राफी है उसकी भी सीरीज उपलब्ध करा दूंगा निःशुल्क इसी चैनल पे। तो चैनल ज्यादा महत्वपूर्ण है ऐप से। धन्यवाद, शुभ रात्रि।